Welcome students to this all in all a very important session. Students, this session hum log karne wale hain on the special tax rate for the companies. Ye particular lecture students honge for the upcoming May 20 and November 20 attempt. Jaise pata hoga sabhi students logon ko ki kafi important changes aaya tha in September 2019 ordinance ke through. और वो ऑर्डिनेंस के जरिए ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इस पूरे के पूरे आपके जो स्कीम ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स रेट को लेके वो हम लोग क्या है पूरा डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन में. स्टूडेंट्स, अब आरटीपी भी रिलीज हो चुकी है और उस आरटीपी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज देखने को मिल रहा था कि आईसीआई ने आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स को लेकर कवरेज दिया है वो पूरे पर्याप्त कवरेज नहीं है, क्योंकि बहुत ही उन्होंने आरटीपी में जो कवरेज किया कुछ जो उन्होंने जैसे बड़े कवरेज थे ये जो कंपनी के रेट ऑफ टैक्स को लेके वहां पे दिया है उस पर कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी नहीं रखा है कि आपको उस पर कुछ प्रैक्टिकल आपको कुछ पता चल जाता था कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो वो चीज भी आरटीपी में देखी नहीं गई है. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स की प्राइमली और आरटीपी के मैंने क्वेश्चन सब देख लिए थे और वो क्वेश्चंस में भी ऐसा अगर जो अपने स्टूडेंट होगा आपने नोटिस किया होगा कि ये क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नयापन महसूस नहीं हो रहा है. जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं वैसा आरटीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है. नेवरदलेस, तो अपनी जो किताब में स्टूडेंट जो मैंने रखा है वो जो आप लोगों को रेगुलर बैच है या फिर अब तो कैप्सूल किताब भी हमने रिलीज कर दी है जिसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये जो अमेंडमेंट पे जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट बन सकते हैं, इसकी जो इंटरप्ले होंगी इंटरलिंकिंग होगी वो भी पार्ट यहाँ पे रखी गई है थ्रू अ केस स्टडी अप्रोच. तब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता है कि इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना, क्योंकि आना तो ये प्रैक्टिकल है, कोई थियोरी वेरी नहीं है ये. स्टूडेंट्स, इस बार हमने जैसे कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो चलो अपने किताब से वो सॉल्व कर रहे हैं, उनको तो पर्याप्त सारे पूरे मटेरियल्स पे क्वेश्चंस हैं. कैप्सूल में हमने जो किताब निकाली है वो भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैंने बनाया, प्रैक्टिकल प्लस द थियोरी जो दोनों का अच्छा एक बैलेंस रखा गया, प्लस जिस तरीके से अमेंडमेंट्स को हमने कवर किया अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, सब अच्छा एक कंसोलिडेशन एक मिक्स ब्लेंड आपको मिल जाता है इसका पूरा का पूरा कैप्सूल किताब में. केस लॉज जो भी है प्लस काफी चार्ट्स इसके अंदर डाले गए हैं, एक काफी अच्छा कवरेज इस कैप्सूल किताब के जरिए मिल जाती है. तो ये भी एक किताब है और इस बार हम लोग कंपाइलर ला रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है सिलेक्टेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक है रेगुलर में जो हमने यूज किया है प्लस कैप्सूल में जो यूज किया उसका हमने कंपाइलर बना दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने इस्तेमाल किया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं अपनी किताब में, बहुत सारे नए क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन जो कि जैसे कि IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, बहुत सारे ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इसका कोई एक्सपोजर ही नहीं है, उस पर हमने क्वेश्चन बना बना के क्या किया है वो चीज को कंसिडर किया है सो फार एज आवर बुकलेट इज कंसर्न मटेरियल इज कंसर्न. तो इस बार हम कंपाइलर प्लस द अमेंडमेंट की किताब दोनों मैंने उसके अंदर रखा है, कंपाइलर भी है प्लस अमेंडमेंट, कंपाइलर प्लस द अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट ज्यादा है इस बार और दोनों को ही हमने क्या किया उस किताब के जरिए कवर किया है. तो हो सकता है कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे जो लास्ट बैच में किसी वजह से वो अटक गए होंगे तो वो चाहे तो कंपाइलर प्लस ये अमेंडमेंट किताब वो ले सकते हैं. भारत लॉ हाउस ही उसको पब्लिश करेगा अप्रॉक्सीमेटली 26 जनवरी में ये किताब मार्केट में आउट हो जाएंगी. तो ये चीजें हैं पब्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में. ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये बात भी है कि आई शुड से दैट इस बार स्टूडेंट जिस तरीके से अमेंडमेंट बना हुआ है इतने सारे अमेंडमेंट्स के सारे प्रैक्टिकल एरिया ज्यादा है, इसमें थ्योरिटिकल एरिया वाले अमेंडमेंट कम है. जो भी अमेंडमेंट्स आईसीआई ने तो बहुत ही कम ही कवर किया, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से अमेंडमेंट्स हुए सब में प्रैक्टिकल के इम्पैक्ट बनती है, बीट हाउस प्रॉपर्टी बीट एनी पर्टिकुलर टॉपिक. तो एक फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की एज फार एज अमेंडमेंट्स आर कंसर्न. तो यही बात है कि इस पे हमने इसी वजह से सोचा था कि एक किताब में जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे अमेंडमेंट्स को लेके हैं हमने कवर किया एज मच एज पॉसिबल, एंड दैट इज द रीजन वाई काफी एग्जॉस्टिव एक तरीके से मटेरियल मिल जाएगा. और एक बात बता दूं स्टूडेंट्स की जो चार्ट्स हैं प्राइमरीली जो हम लोग फरवरी मिड में ये रिलीज हो जाएगी
वो चार्ट्स जो लोग, मुझे लगता है कि जो लोग कैप्सूल रेफर कर रहे हैं या फिर जो रेगुलर में हैं, वो तो चार्ट्स हमने उसके अंदर रेफर कर रखा है, तो उनके लिए चार्ट्स के रेलेवेंस, वो आप चार्ट्स नहीं रेफर करोगे चल जाएगा, क्योंकि चार्ट्स हम अलग से निकालते हैं अगेन बाय भारत लाहौस, वो पब्लिश कर लेते हैं, वो अराउंड 15th of February को रिलीज हो जाएगी। 46 चार्ट्स, कलरफुल, वो न्यूज़पेपर साइज चार्ट्स होते हैं, तो वो भी अगर किसी को रखना है तो अपने साइड में रख सकते हैं, तो दैट यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर इट फ्रॉम भारत लॉ हाउस। नाउ स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर में बिकॉज ऑफ माई सीवियर हेल्थ इश्यू, जो कपल ऑफ बैचेस जो मेरी कैंसिल हो गई थी वो नहीं ले पाया, तो अपोलोजाइज फॉर दोज पर्टिकुलर स्टूडेंट्स टू हुम हु हैव वेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर बैचेस, जो फेस टू फेस बैचेस जो थी। मैं अब आप लोगों के लोकेशन में ही आके, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी वेट कर रहे हैं, बोले कि इसी तरह सर आप क्रैश कोर्स करवा दो, तो मैं जल्द अनाउंसमेंट करवा दूंगा, क्योंकि नाउ फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द सीवियर हेल्थ कंडीशन जो कि दिसंबर मंथ में हुआ था। तो आई विल बी कमिंग डाउन टू योर लोकेशन फॉर द क्रैश कोर्सेस, आपके लोकेशन पे आके मैं वो क्रैश कोर्सेस करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो क्रैश कोर्स जरिए ही कंप्लीशन दिलवा दें। तो जब स्टूडेंट्स के लेवल पर अगर इतना ये सपोर्ट है, तो डेफिनेटली उतना ऑब्लिगेशन मेरा भी बनता है। तो सिंस नाउ द थिंग्स आर फुल्ली फिट फ्रॉम माई एंड, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप लोगों की तरफ मैं पहुंच रहा हूँ, बस अब अनाउंसमेंट इसकी मैं जल्दी करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स चालू करते हैं। द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स फॉर द कंपनीज, इसको हम स्टूडेंट दो सेशन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैट की इम्प्लीकेशन भी बड़ी आने वाली है। मैट में तो वैसे भी मैट की अमेंडमेंट हुई है, रेट मैट का 15% तक हो चुका है, तो मैट की भी अमेंडमेंट हुई है। दैट इज द रीजन वाई इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, मैट एंड देन देयर आफ्टर क्या होगा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो आया था बजट, ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट 2019 के अंदर, ताकि मैट का इम्पैक्ट इसमें क्या होगा ये डेफिनेटली पता लगाना बहुत जरूरी है। बिना मैट के इम्पैक्ट को किए हुए आप इसमें इस चीज को आधा अधूरा आप करोगे, तो इसी वजह से इस सेशन को जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कवर करने वाला हूँ, वुड बी बेस्ड ऑन टू पार्ट्स, मैट के एंगल से पहले मैट की कवरेज और फिर बाद में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो आई है वो नेक्स्ट पार्ट पे रखेंगे, और उसमें ये अमेंडमेंट को लिंक करवा देंगे कि मैट का इंपैक्ट क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स ये चीज को लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एरिया फॉर योर एग्जामिनेशन मई 20 या नवंबर 20 के लिए, डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स मोस्ट लाइकली एरिया बन सकता है। आइए स्टूडेंट्स, स्पेशल टैक्स रेट ऑफ द कंपनीज, ये कैप्सूल की किताब में भी है, रेगुलर बैच की किताब में भी ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, तो आइएगा यहाँ पे पहले देखते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्टर ऑन द रेट ऑफ टैक्स। ये तो आपको सभी को पता है कि मैट का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था, ये AMT में ही आपको बता दिया गया था। मैट की इंट्रोडक्शन क्यों हुई थी, क्योंकि होता ये था कि बहुत सारे कंपनीज क्या करते थे, बहुत बड़ी डिडक्शंस लेके दे यूज टू टेक अ ह्यूज इंसेंटिव, जो टैक्स हॉलीडे वाले जितने प्रोविजन हैं, तो वो टैक्स हॉलीडे की स्कीम जैसे ATIA, ATIB, 10AA, ऐसे बड़े सेक्शंस का वो क्या है डिडक्शंस लेके दे यूज टू कंप्यूट देयर टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और तब जबकि वो इतना बड़ा डिडक्शन ले लेते थे तो लगभग बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट ही उनका क्या होता था निकलता था एज अ टैक्सेबल कंपोनेंट और टैक्सेबल कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी। तो उस हिसाब से ये जो डिडक्शंस लेके इतनी ये सारी कंपनीज या बिजनेस एंटिटीज उनकी टोटल इनकम निग्लिजिबल हो जाती थी, जिसकी वजह से क्या था प्राइमरी टैक्स लायबिलिटी भी बहुत ही मामूली निकलती थी। तो यही बात होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या होता था एबिलिटी टू पे, जो ज्यादा सक्षम है पेमेंट करने के लिए कौन है कंपनीज। तो अगर कंपनी ही अगर इतने बड़े डिडक्शन अगर ले लेती है और वो टोटल इनकम प्राइमरी क्या है निग्लिजिबल अमाउंट ऑफर करती है फॉर देयर इन देयर ROI, तो फिर तो सारा बर्डन जो है टैक्स का किस पर चला जाएगा ऑन द इंडिविजुअल, और आप बिटवीन द कंपनी एंड इंडिविजुअल ये तो बताने की जरूरत होती नहीं है, एबिलिटी टू पे किस में अधिक होती है ज्यादा किस में होती है कंपनी में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कंपनीज प्राइमली उन पे
मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि ठीक है, आप एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन आप डिडक्शंस ले रहे हैं, बड़े डिडक्शंस ले रहे हैं जो कि आम आदमी की बस की बात नहीं है, जैसे 35AD, ATI, ATIB, 10AA, और वो डिडक्शन लेके आप अपनी प्रॉफिट को बहुत निग्लिजिबल बना देते हो, और फिर उससे टैक्स लाइबिलिटी आपकी तरफ कुछ नहीं आता है। और ये अगर आपकी तरफ से अगर ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा, तो फिर ये बर्डन शिफ्ट हो जाता है किस पे? ऑन द अदर पर्सन, और अदर पर्सन में ये सारे इंडिविजुअल नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की तरफ बर्डन बढ़ जाएगा, जो कि अपने आप में एबल नहीं होते हैं, केपेबल नहीं होते हैं कि उतना अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट के बजट के एक्सपेक्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में उतना अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने की एबिलिटी उनमें नहीं होती है, और यही वजह होती है कि स्टूडेंट्स ये मिसमैच आ जाता है। मैट का कंसेप्ट इसी कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था कि मिनिमम इतना तो अमाउंट ऑफ टैक्स हम आपसे उम्मीद करते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू बेयर द बर्डन ऑफ द टैक्सेस, एंड दैट इज व्हाट द मैट इज ऑल अबाउट। वही कंसेप्ट AMT में भी देखा जाता है। AMT भी अगर आप देखो तो यही कंसेप्ट AMT पे भी लगा है। अब आप सोचिए ना, एक छोटा सा एक ये पॉइंटस है, रिलायंस, टाटा और ऐसी कुछ चार पांच कंपनी जो कि उन्होंने किया है पास्ट में, अगर यही लोग ने क्या है, अगर वो ये बड़े बड़े डिडक्शंस ATIA, ATIB, 35AD, अगर ये डिडक्शन लेके अपना साइजेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे उन्होंने इतना बड़ा डिडक्शन अगर ले लिया है, और उनकी टोटल इनकम क्या होती है, बहुत ही निग्लिजिबल हो जाती है, तो ऐसे केस में ये कोई कंपनी गरीब कंपनी नहीं है, ये डिडक्शन लेके प्राइमरी क्या हो गया, ये अपना टैक्स लाइबिलिटी कम किया है, डिडक्शन लेके उन्होंने क्या टैक्स लाइबिलिटी कम किया है, और यही कंपनी शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टैक्स चला जाता है इन द एक्सचेकर। सो दीज आर द कंपनीज, ये उन कंपनी की हम बात कर रहे हैं विच आर जनरेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, विच आर जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, बट कॉन्ट्रीब्यूटिंग नथिंग एज फार एज द नेशनल एक्सचेकर इज कंसर्न, कॉन्ट्रीब्यूटिंग नथिंग एज फार एज द नेशनल एक्सचेकर तिजोरी ट्रेजरी इज कंसर्न। और इसी वजह से गवर्नमेंट ये समझती है कि शेयर होल्डर के पहले आता है गवर्नमेंट, तो पहले आपको गवर्नमेंट का हित देखना है और उसके बाद आपको शेयर होल्डर का हित देखना है। ये है फिलॉसफी, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, यही है फिलॉसफी किसका, मैट का। पहले आप हमें अटेंड करें और फिर शेयर होल्डर को। यहां तो हम देख रहे हैं कि आप इतने बड़े डिडक्शन ले लेते हो, प्रॉफिट निग्लिजिबल बन जाती है, टैक्स के रूप में कुछ नहीं, और यही पर्टिकुलर आप क्या है ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो। किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड? टू द शेयर होल्डर्स। एंड देयरफॉर द कंपनी सेज दैट बिफोर द शेयर होल्डर इट इज वी हु आर द वन टू बी टेकन केयर ऑफ, हमारा हित पहले आता है, उसके बाद आप शेयर होल्डर को अटेंड करना। और यही फिलॉसफी के बेसिस पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और उसी का रिपल इफेक्ट AMT में देखा जाता है, जो किस किसके लिए एप्लीकेबल है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। तो इनिशियल इंट्रोडक्टरी स्टूडेंट्स एस्पेक्ट, इसको जल्दी से रैपअप करते हैं, फिर बाद में आते हैं इसके कुछ की एरियाज को लेके जो एडजस्टमेंट है मैट की। इंट्रोडक्शन एंड रेशनल बिहाइंड, जो अभी अभी हमने देखा है, कंपनी रिपोर्टेड ह्यूज प्रॉफिट, डिक्लेयर्ड अट्रैक्टिव डिविडेंड, अवेल टैक्स हॉलिडे, टैक्स कंसेशन जो मैंने आपको बताया, पेड जीरो टैक्स, जीरो और निग्लिजिबल टैक्स। देयरफॉर मैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक जीरो टैक्स कंपनीज कंट्रीब्यूट अ मिनिमम सम ऑफ टैक्स, मिनिमम सम ऑफ टैक्स, तो मिनिमम आपको उतना टैक्स का भुगतान तो करना जरूरी है। जल्दी से ये एप्लीकेबिलिटी किस पर बनेगी, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। एप्लीकेबल टू होम, किन पे ये लागू किया जाएगा, तो एप्लीकेबिलिटी देखना स्टूडेंट्स, इट इज ऑन द कंपनी। पॉइंट नंबर टू, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी हैविंग PE और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। क्यों ये PE का ये कंसेप्ट है स्टूडेंट्स? इसका इफेक्ट DTAA में देखा जाता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, क्योंकि अगर ये और DTAA में भी और कंपनीज एक्ट में भी दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ये होगा, थोड़ा आगे इसको मैं डिस्कस कर लूंगा, ये क्यों इसको फॉरेन कंपनी में PE या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में अगर है तब जाके ही उन पे ये लागू किया जाएगा, मैं थोड़ी देर बाद इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। IFSC वाले में अगर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये ध्यान रखना इसमें अमेंडमेंट है, इनको वहाँ पे एक रेट है 9% का, एक क्वेश्चन भी मैंने ड्राफ्ट कर रखा हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में। नेवरदलेस कंपनी बीइंग अ यूनिट लोकेटेड इन IFSC
डिराइविंग इनकम सोलली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि आईएफएससी के सारे बेनिफिट तभी मिलते हैं जबकि आपने इनकम कमाया है इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। आईएफएससी स्टूडेंट्स और कुछ नहीं है, आपको पहले भी बता दिया गया था कि आईएफएससी होता क्या है। इट इज नथिंग बट एसईजेड, जो हमने एसईजेड समझते हैं हम लोग, वो होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स को कॉन्टेक्स्ट में एसईजेड बनती है। तो ये समझ लेना ये भी एक एसईजेड है, बट इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये भी अपने आप एक एसईजेड ही है, लेकिन क्या एक्सपोर्ट कर रही है ये अपने एंड से एक्सपोर्ट कर रही है द फाइनेंशियल सर्विस। सो द वे द अदर एसईजेड एक्सपोर्ट्स द गुड्स, दिस एसईजेड एक्सपोर्ट्स द फाइनेंशियल सर्विसेज। एप्लीकेबल व्हेन, कब ये एप्लीकेबल होगा? देखिए जनाब, पहला अमेंडमेंट आ चुका आपके सामने। इफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम एज कंप्यूटेड अंडर दिस एक्ट इज लेस देन 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट, 15% स्टूडेंट्स। एक चीज आपको बता दो, अमेंडमेंट आया गया है 15% का, कि मैट का रेट घट के 15% हो गया है। ये सितंबर 2019 में उन्होंने अमेंडमेंट के द्वारा ये कर दिया था कि अब मैट का रेट 15% होगा, ठीक है। उसकी बड़ी वजह है, अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स पार्ट बी में, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट अब तक होता क्या था ना, अब तक स्टूडेंट्स होता यह था कि जो मैट की रेट होती है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो नॉर्मल प्रोविजन का है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट से कम होता है। जैसे कि पहले कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% था, ठीक है, फिर बाद में कुछ केसेस में 25% भी है, जो हम लोग यहां पे अब देखेंगे वाले टर्नओवर का कुछ क्राइटेरिया है उसके आधार पे 25% का भी क्या है कॉर्पोरेट टैक्स रेट बनता है, ठीक है। तो मैट का रेट 18.5% रखते थे, ये मिनिमम रेट होता है, ठीक है। तो ये तो मिनिमम रेट 18.5% का था, तो मिनिमम इतना तो पे आपको करना बनता है, भले ही आप 25 ना पे करें, 30 के रेट के हिसाब से ना करें, मिनिमम 18.5 तो आपको पे करना होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये 2019 के अमेंडमेंट पे, 2019 के अमेंडमेंट पे आपके कॉर्पोरेट टैक्स रेट कुछ केस में 15% हो चुके हैं, जो कि देख लेंगे हम लोग। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कुछ केस में 15% हो चुका है स्टूडेंट्स, तो अगर वो 15% हो गया है तो फिर मैट, जैसे कि बोलते ना कि ये इनकी धज्जियां उड़ जाती, मैट आप बोलोगे कि नहीं भाई ये तो 18.5% रहेगा, तो फिर ये मिनिमम कहां हुआ, ये तो मैक्सिमम हो गया, इजंट इट। तो ये मिनिमम कहां है, ये तो मैक्सिमम है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसका रेट को भी उनको कम करना ये उनकी मजबूरी बन गई थी। और यही वजह है कि क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% तक आ चुका है, इस वजह से मैट का रेट मैक्सिमम रेट नहीं है, मिनिमम रेट है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो मिनिमम उनको अब क्या करना पड़ा, मजबूरन अब उनको भी 15% तक लेकर आना पड़ा। वो अलग बात है कि बहुत दिल पे पत्थर रख के ये फैसले किए जाते हैं, ये तो आप भी जानते हो, दिल पे पत्थर रख के ही ये सारे फैसले होते हैं। 15% तक लेकर आना और फिर बाद में मैट को भी कम कर देना, ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत आसान नहीं होता। अब आप नोटिस करो स्टूडेंट्स एएमटी की तरफ, एएमटी में जो रेट है वो रेट है 18.5% का। आप बोलोगे वो 15% नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों, जरूरत क्या है, मैट पे तो मजबूरी मैंने बता दी, क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि मैट पे 18.5% से 15% करना पड़ा। ये मजबूरी आपको पता चल चुकी है कि इनको पीछे 15% आना पड़ा, क्या ये ऐसी मजबूरी है एएमटी की तरफ, वहां एएमटी किसको लगता है, नॉन कॉर्पोरेट वालों को। तो नॉन कॉर्पोरेट का जो रेट है वो तो अभी भी वही नॉर्मल आपका जो हेडलाइन रेट है 30% का ही चल रहा है, जो कि मैक्सिमम रेट तो 30% का ही है जो नॉर्मल रेट स्लैब के हिसाब से भी अगर मैं चलूं तो इसी वजह से जब वहां पे वो 30% का हेडलाइन रेट है तो यहां पे 18.5% 18.5% जो है वही रेट अभी भी लागू है, क्योंकि अभी भी जो एक आप बोल सकते हैं ना एक तरीके से जो हमारा ये मिनिमम टैक्स का जो कंसेप्ट है वो बराबर यहाँ पे एएमटी के लिए बैठ जाता है कि 18.5% हम आपसे लेंगे, जबकि हेडलाइन रेट जो है 30% का है, जो कि हायर रेट पे 30% चलता है, तो वो मिनिमम का जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी वालों के लिए वो खतरे में पड़ गया था और इसी वजह से उनको मैट का रेट भी कम करना पड़ा है 15%। अब आपको ये लॉजिक पकड़ में आ चुका है कि ये क्यों ऐसी कार्रवाई की गई है, तो ये चीज को लॉजिकली पकड़ने की कोशिश करना, ये चीजें देखो किताबें में नहीं मिलती, बोलते अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन ये क्यों हुआ है उसका मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया,
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आईएफएससी को और फर्दर इंसेंटिव देने के लिए जो कंपनी आईएफएससी में लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वहां पे लोकेटेड है, तो वहां पे उनको जो मैट की रेट लगेगी वो लगेगी 9% के हिसाब से। वहां पे कोई कटौती नहीं हुई है, पहले भी 9 था अभी भी 9 है, तो भी वो 9% तो मिनिमम है, मिनिमम ही होगा, क्योंकि 15% का तो आपका आपका कॉर्पोरेट रेट हो चुका है। तो जब और फिर आपने मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स फॉर दी अदर कंपनीज वो भी 15 कर दिए, तो आईएफएससी को अभी भी अगर 9 पे टिका हुआ है तब भी हम कह सकते हैं कि अभी भी उस कंपनी को जो कि आईएफएससी में उसकी एक यूनिट सिचुएटेड है उसको अभी भी क्या है, उसका इंसेंटिव मिल रहा है। आइए स्टूडेंट्स, एप्लीकेबल व्हेन, ये जरा एक बार देखना। अच्छा, एक्सेप्शंस भी हैं, कंपनी एंगेज इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ये सब ठीक है, एक बार देख लो एमसीक्यू में अगर आ जाए। वैसे तो चांसेस ऐसे टाइप के तो एमसीक्यू आते नहीं है, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ों को। फॉरेन कंपनी विच डू नॉट हैव अ पी इन इंडिया, ठीक है, जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। हाउएवर दिस बेनिफिट इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज फॉरेन कंपनी बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विथ होम इंडिया हैव DDWA। यही कुछ चीज़ें मैं चर्चा आपके साथ कर रहा था अभी फिलहाल के लिए। वो फॉरेन कंपनी जिसके पास इंडिया में कोई पी नहीं है या प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो उनको ये मैट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 भी उसी के लगभग पॉइंट पे आ जाता है, जो कि थोड़ी देर बाद मैं इसकी चर्चा आपके साथ रख लूंगा। ये एप्लीकेबल व्हेन मैंने आपको बता दिया था, रेट आपको ये दोनों चीज आ चुकी है। सरचार्ज वाला जो गेम है डोमेस्टिक कंपनी, देखिए सरचार्ज का रेट जो है ना, ये रेट वही रेट है जो कि नॉर्मल टोटल इनकम पे है, लेकिन लेकिन क्या, जो थ्रेशोल्ड लेंगे आप टोटल इनकम ना लेके आपको थ्रेशोल्ड लेना पड़ेगा किसका, बुक प्रॉफिट का। सो द थ्रेशोल्ड दैट यू आर सपोज टू पिक अप फॉर द डिसाइडिंग द रेट ऑफ सरचार्ज विल नॉट बी द टोटल इनकम, द थ्रेशोल्ड दैट विल बी कंसिडर्ड वुड बी दैट ऑफ द बुक प्रॉफिट। ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे स्टूडेंट्स, बुक प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ना कि टोटल इनकम का। आई बात समझ में? तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर बाद में ये प्रोसीजर ध्यान रखना स्टूडेंट, आईसीए क्या अभी तक कर रही है सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, मैं आपको बता देता हूँ कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जामिनेशन में करना क्या है, जबकि थोड़ा सा इस पे कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन तब भी एक पॉइंट हमें लेके चलना पड़ेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है एग्जामिनेशन में। आप लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये स्टेप्स तो लिख ही लो इस कॉन्टेक्स्ट में। कोई भी कंपनी होगी, कोई भी एक कंपनी है, उस कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, स्टेप 1, 4 स्टेप से अपने सॉल्यूशंस लाने हैं। अब वो स्टेप्स कौन से होंगे एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं। 4 स्टेप्स में एनी कंपनी विल हैव टू देन डील विद द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। कौन सी है वो स्टेप्स देखेंगे स्टूडेंट्स। स्टेप 1 होगा आपका कंप्यूट द टोटल इनकम, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। टोटल इनकम जो कंप्यूट हो रहा है वो तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से होगा, पूरी तरीके से जो भी टोटल इनकम का कॉम्पिटिशन होता है वो करना है। स्टेप 2 जो होगा कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन जब करते हैं तो कैसा होता कैलकुलेशन, बताएं जल्दी से टैक्स लायबिलिटी की कॉम्पिटिशन किस तरीके से की जाती है। तो आपको पता होगा ये चीज स्पेशल टैक्स रेट्स है, कोई आपके टोटल इनकम में कोई ऐसा इनकम है जो कि स्पेशल टैक्स रेट से चार्ज हो रहा है। सो इज देयर एनी इनकम इन द टोटल इनकम विच इज चार्ज टू अ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, तो आप क्या करेंगे उस इनकम पे वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगा देंगे, ठीक है। और फिर बैलेंस टोटल इनकम पे, बैलेंस टोटल इनकम पे आपको क्या करना होगा, आपको नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट जो आपका कंपनी का है अगर आप डोमेस्टिक हो या फॉरेन कंपनी हो, उस हिसाब से आप अपनी नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स आप स्पेशल इनकम जो आपका होगा इन द टोटल इनकम
एट नॉर्मल टैक्स रेट, सॉरी एट स्पेशल टैक्स रेट, ठीक है, और फिर बैलेंस टोटल इनकम, बैलेंस टोटल इनकम क्या होगा? बैलेंस टोटल इनकम पे एज पर रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी अंडर द फाइनेंस एक्ट 2019। कुछ स्पेशल इनकम का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? स्पेशल इनकम में कुछ एग्जाम्पल बता दो जो नॉर्मल आपको पता ही होता है, जैसे कि 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इजंट इट? 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वाला कैटेगरी, 112A याद आ रहा है कैपिटल गेन्स में किया गया था, 112A बताओ क्या है? 112A वही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो कि आता है ट्रांसफर ऑफ द इक्विटी शेयर्स और द यूनिट ऑफ द रेट और द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जिस पे एसटीटी पे किया गया है, तो उस पे 10% का आपको 112A के कॉम्पिटिशन भी उसकी अलग चलती है, ठीक है? तो 10% का वहां पे एक स्पेशल रेट है। फिर इसके बाद अगर एक फॉरेन कंपनी है स्टूडेंट्स, जो एक फॉरेन कंपनी है और जिसको मैट एप्लीकेबल है, मतलब कि वो ये एक्सेप्शन में नहीं फॉलो रहा जो अभी अभी हमने देखा था, तो अगर एक फॉरेन कंपनी है तो आप बोल सकते हो कि उस फॉरेन कंपनी को कुछ स्पेशल इनकम भी मिल सकते हैं, मिल सकते हैं कि नहीं? कोई स्पेशल इनकम जिस पे स्पेशल रेट लगता हो बताएं। कुछ स्पेशल इनकम तो आपको भी पता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में हमने भी किया था। क्या था वो स्पेशल इनकम एनआर के लिए जिस पे स्पेशल रेट लगवा दिया जाता है? सबसे एक पॉपुलर सेक्शन बता दो, एक पॉपुलर सेक्शन बताना। कोई स्टूडेंट बोल रहे सर प्लेयर 115BB है, यही आपको याद आएगा, जो मेन स्ट्रीम के सेक्शन तो वो याद ही नहीं। अरे 115BB कहाँ पहुंच गए आप? स्पोर्ट्स पर्सन का सेक्शन बोल रहे हो? सबसे पॉपुलर सेक्शन जो एनआर में काफी चर्चा होती रहती है उसकी बताएं, 115A। बिल्कुल सही कहा आप लोग ने, काफी स्टूडेंट्स हैं जिसने कह दिया 115A। तो 115A में बताएं कौन सी इनकम होती है जो कि उसको स्पेशल रेट के आधार पर टैक्स किया जाता है, वो कौन सी इनकम है? तो स्टूडेंट्स वो इनकम आपकी है इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड FTS। रॉयल्टी एंड FTS में शर्त ये होना होता है कि PE परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए इंडिया में। तो ऐसे हालात में जो ये जो स्पेसिफिक इनकम है, इंटरेस्ट इनकम ऑफ द NR एंड रॉयल्टी एंड FTS जो कि इस एक्ट में चार्ज होता है, विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट, उस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया गया है। तो अगर फॉरेन कंपनी पे अगर आप मैट का आपको कैलकुलेशन करना है तो फिर उसके लिए भी यही स्टेप्स आपको पहले करने होंगे। पहला स्टेप उस फॉरेन कंपनी की टोटल इनकम कैलकुलेट करें, फिर दूसरा स्टेप होगा कि टैक्स लायबिलिटी उस फॉरेन कंपनी की कैलकुलेट करेंगे एज पर दी आपके जो नॉर्मल प्रोविजन है एक्ट के उस हिसाब से। अब नॉर्मल प्रोविजन में क्या है कि ये देखा जाता है कि क्या उस फॉरेन कंपनी के टोटल इनकम में ऐसा कोई स्पेशल इनकम है जिस पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगवाया जाता है। अगर है तो फिर आप क्या करेंगे, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से काम करेंगे। और आप बोलोगे नहीं है कोई ऐसा स्पेशल इनकम, तो फिर आपको बैलेंस टोटल इनकम पे टैक्स रेट लगवाना होगा ऑफ व्हाट ऑफ द रेट एज पर द फाइनेंस एक्ट 2019। तो ये मैंने बता दिया, तो एक फॉरेन कंपनी का भी मैं आपको बता देता हूँ 115A, ठीक है? कुछ ये एग्जांपल्स आपको दिए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पे स्टेप थ्री में आप लोग आए। स्टेप थ्री, इन स्टेप थ्री इसमें आपको क्या करना होगा, पहले स्टेप वन एंड स्टेप टू ये आपने देख लिया। स्टेप थ्री की अगर मैं बात करूं तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब मैट की कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है,
तो ये होगा स्टेप थ्री में, कंपटीशन ऑफ द बुक प्रॉफिट। क्या करना है? कंपटीशन ऑफ द बुक प्रॉफिट। और ये बुक प्रॉफिट की जो कंपटीशन होती है, ये आपको करना है नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट। ये बेस अमाउंट है स्टूडेंट्स जो आपको लेना पड़ता है, नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट विच इज द बेस अमाउंट। और फिर आपको स्टूडेंट्स ये जो करेंगे आप इस बेस वैल्यू पे ऐड और लेस, क्या है ये ऐड और लेस? स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड व्हाट? एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 115JB। जो 115JB ने एडजस्टमेंट दिया, बस वही एडजस्टमेंट को आपको क्या करना है, इस्तेमाल करके एड और लेस कर देना। उसके अलावा आप अपनी इनकम टैक्स की लॉजिक को बाजू में रख के चलेंगे, इनकम टैक्स की लॉजिक को बाजू में रख के चलेंगे। आप बोलोगे लेकिन सर क्या इसका लॉजिक नहीं है, क्यों ऐड किया जा रहा है, क्यों लेस किया जा रहा है? लॉजिक ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब ये मैट का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें जो तभी शुरुआत में जो एडजस्टमेंट रखे गए थे, तब तो उसी लॉजिक के आधार पर क्या है वो एडजस्टमेंट का एक फ्लो बन रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है ना कि जब अमेंडमेंट इतने सारे हो जाते हैं तो फिर वो जो ओरिजिन था, बेसिस जो आधार था, वो आधार ही अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इतने अमेंडमेंट्स हो जाने की वजह से वो आधार ही निकल जाता है। लेकिन तब भी जब वो एडजस्टमेंट करेंगे तो वहां पे मैं आपको थोड़ा उसके लॉजिक बता के चलता रहूंगा कि हाँ भाई ये एडजस्टमेंट क्यों अल्टीमेटली लाई गई है, तो आपको थोड़ा सा द वाई ऑफ द प्रोविजन पता चलेगा कि हाँ भाई एडजस्टमेंट इसके लिए किया जा रहा है। तो यहां से अगर आपने स्टूडेंट ये एड लेस कर लिया, ये आपको दे देगा, बताओ क्या, इसको कहेंगे बुक प्रॉफिट। ठीक है, स्टेप नंबर थ्री, दिस इज योर बुक प्रॉफिट। और फिर फाइनली स्टेप चार पे आ जाओ, और स्टेप चार क्या है? मैट की कंपटीशन। मैट की कंपटीशन कैसे हो करेंगे आप? तो यहां पे मैट की जो कंपटीशन होगा वो है आपका बुक प्रॉफिट पे, वही 15% का रेट लगवा देना है। तो उस बुक प्रॉफिट पे और 9%। अब आप एक चीज नोटिस करें स्टूडेंट्स, यहां पे टैक्स रेट सिर्फ यूनिफॉर्म ही रहेगा, 15% होगा अगर वो नॉन आईएफएससी है, आईएफएससी अगर है तो 9%। यहां पे आप बोलोगे लेकिन सर अगर बुक प्रॉफिट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, जिस पे 112A की बात आपने कुछ कही, या जो स्पेशल इनकम 115A में इंटरेस्ट रॉयल्टी एनएफटीएस की जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर वो मौजूद होगा तो उस केस में क्या करेंगे, क्या हमारा रेट चेंज होगा? तो उसके लिए भी आंसर है नो, कोई चेंज नहीं करना है। ये यूनिफॉर्म मिनिमम टैक्स पे करना, इसमें कोई आपको ये डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स रेट यहां पे लगता नहीं है कि आपका बुक प्रॉफिट में वो कौन सी इनकम है, उसके आधार पे मैट का रेट चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इस पे सिर्फ यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स ही आपको लगवाना है, जो कि आइदर 15 होगा या फिर 9 होगा। अब स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बात करूं तो थोड़ा सा केयरफुल ना, देखा जाए तो कुछ जजमेंट्स के आधार पर अगर मैं देखूं, सरचार्ज और सेस जोड़ के कंपेरिजन करना है या छोड़ के कंपेरिजन करना है इन दोनों को, यहां पे कुछ जजमेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको उन जजमेंट पे उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं है, कंट्रोवर्सी इस पे बना हुआ है कि जैसे कि मैट क्रेडिट पे भी कुछ है कि भाई सरचार्ज और सेस का हमें वो मैट क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग जुडिशरी में जजमेंट्स हैं। आईसीआई क्या करती है उसके आधार पर अल्टीमेटली मैं आपको बस करवा देता हूँ, आप ये पोजिशन ही क्या करेंगे, लिख देंगे। हाँ, हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में नोट में जो मैं आपको बताऊंगा वो नोट जरूर लिख देना आप, ठीक है, तभी उसको लगे कि हाँ भाई बच्चे को ज्ञान है कि इस चीजों को लेके कुछ थोड़ा बहुत क्या है जुडिशरी में मतभेद है, ये चीज बस आपको बतानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग जैसे कि यहाँ पे टैक्स आपने कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है, ये टैक्स कैलकुलेट कर दिया है, तो इस पर ऐड करके चलना सरचार्ज। अब आप लोग जरा यहाँ पे भी कार्रवाई करो सरचार्ज, और सरचार्ज में आप लोग क्या देखते हो, टोटल इनकम। सरचार्ज के लिए जो थ्रेशोल्ड बनाते हो यहाँ पे टोटल इनकम देखी जाती है,
ये एक्सीड कर देना चाहिए थ्रेशोल्ड लेवल, जो कि आपको अभी भी बताया गया है 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, एज अ केस में भी थ्रेशोल्ड लिमिट, इजंट इट? ये अगर वो सरचार्ज एक्सीड करता है तब बात बनती है, और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद आपका ये आता है HEC एट 4%, जो कि सब टोटल में आपको लगाना होगा, इनकी सब टोटल लगनी पड़ेगी, और फिर उस पर लगवा दें आप HEC और फाइनली आपकी लायबिलिटी बन जाती है टोटल टैक्स एज पर नॉर्मल, टोटल टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन स्टूडेंट्स। यहां पे जो करेंगे आप वो बताओ क्या होगा, सरचार्ज जो है वो आप बुक प्रॉफिट के आधार पे कंसिडर करेंगे कि क्या सरचार्ज लगेगा, तो बुक प्रॉफिट इसका आधार बनेगा, बुक प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन दी थ्रेशोल्ड लिमिट। दैट वुड बी द बेसिस ऑफ अ सरचार्ज। और फाइनली आप वो जो आधार है तो वो सेम है 1 करोड़ 10 करोड़, लेकिन बुक प्रॉफिट के लेवल पे देखा जाएगा, ये चीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है? और फिर HEC, जैसे कि AMT में हम लोग क्या करते थे, एडजस्टेड टोटल इनकम को देख के वो आप सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा वो कंसिडर किया जाता था, एडजस्टेड टोटल इनकम को देख के, इजंट इट? सो दैट इज हाउ द थिंग्स वॉज बींग कंसिडर्ड इन दिस रिगार्ड। और फिर ये जो अमाउंट है ये आपका होगा टोटल टैक्स एज पर दी नॉर्मल प्रोविजन। टोटल टैक्स एज पर दी नॉर्मल प्रोविजन, सॉरी एज पर 115 GB। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें इस कॉन्टेक्स्ट में। अब कंपेयर करना होगा स्टूडेंट्स, आपने किसको किसके साथ कंपेयर कर लोगे आप, इसको इसके साथ करना है, लेकिन मैंने बताया ना एक एग्जामिनेशन में नोट आपको बता दूंगा क्या लिखना है, वो बस नोट लिख के चलना। कंपेयर आपको इसको इसके साथ करना है, तो यहां पे हायर ऑफ द टू शैल बी द फाइनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, फाइनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, हायर ऑफ द टू शैल बी द फाइनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर द रेलिवेंट AY। इसमें मैट क्रेडिट का गेम जो होगा वही AMT की क्रेडिट जैसे हम लोग चर्चा करते हैं वैसे ही चलता है इसके अंदर भी, बस वही है कि भाई मैट का क्रेडिट वो सरचार्ज और HEC पे क्या मिलता है उस पे ही कुछ बात मैं आपको, वो प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन होगा उसी में आपको करवा दूंगा, ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स ये स्टेप होंगे, अप्रोच होंगे। अब एग्जामिनेशन में देखो एक होता है ना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उस तरीके से डाल देते हैं कंपलसरी क्वेश्चन में, अब तो वो 14 मार्क्स का बन गया, थोड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स लेंदी हो जाता है, और मैं स्टूडेंट्स को फिर बोलता हूँ कि देखो आपको आता होगा तब भी हो सके तो उसको थोड़ा बाद में अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि आपको पहले दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप वहां तक पहुंचे, ताकि क्या होगा ना उतना पहले आप पेस आपका स्पीड बन जाएगा, नहीं तो शुरुआत के क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट थोड़े से स्लो चलते हैं। अभी भी मैं ये बता रहा हूँ फुल फ्लजेड, जो कि अपनी किताब में भी और कैप्सूल में भी ये क्वेश्चन में रखा गया है, देखना एंड में जो इसका सेगमेंट नंबर 4 है, चौथा सेगमेंट पे इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो उसका जो तीसरा क्वेश्चन जो आप देखोगे दूसरा तीसरा क्वेश्चन उस पर पता चलेगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन थे और अभी हाल फिलहाल के अटेम्प्ट में आए हैं। वो लेंथ का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है स्टूडेंट्स एक चीज दिमाग में लेके चलना, शुरुआत में आप उतने बड़े लेंथ के क्वेश्चन पे बहुत टेंटेटिव हो जाते हो, उस लेंथ का क्वेश्चन के लिए स्पीड चाहिए होता है और स्पीड आता है 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे में मैं हमेशा यही बोलता हूँ MCQ भी नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि MCQ भी आपका अननेसेसरी क्या होता है, एक एक मार्क के लिए आप इतने स्लोली काम करते हो कि वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाता है, एक मार्क के लिए इतना स्लो चलोगे तो फिर पेपर छूट जाएगा, तो इसी वजह से आप लोगों को वही 4 मार्क 6 मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटैक कीजिए, और 1 घंटे तक आप एक रीजनेबल अटेम्प्ट इन टाइम रहते हुए
नहीं कि वहां पर आपने खींच लिया, नहीं, इन टाइम रहते हुए आप रीजनेबल अटेम्प्ट तक पहुंचे, 1 घंटे के बाद फिर अगर आपको प्लंज लेना है तो वो बड़े क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि तब तक आपके स्पीड आ चुकी है, वो प्रेशर आ चुका होगा और अब आप अल्टीमेटली तीसरे चौथे गियर पे पहुंच चुके हैं, और उस गियर पे रहते हुए ऐसे लेंथी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन शुरुआत में आप स्नेल प्लेस पे पहले गियर पे अल्टीमेटली वैसे लेंथी क्वेश्चन को लेके चलोगे, तब तो ध्यान रखना हादसा बहुत नजदीक है। ये सिर्फ डीटी की बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स, मैं एक आपको एक यूनिवर्सली बता रहा हूँ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो विद दिस वन चलिए अब आते हैं आगे कंटेंट में। अच्छा, एक चर्चा मैं आपके साथ अभी भी कर लेता हूं, कॉम्पिटिशन ऑफ द बुक प्रॉफिट। अब आपको बताओ स्टूडेंट्स, इसमें बेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द बेस वैल्यू इन दिस केस, क्या है इसका बेस वैल्यू, नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। और अब आप नोटिस करना, मुझे सेक्शन पता नहीं है नए कंपनीज एक्ट का क्या है, लेकिन ओल्ड कंपनीज एक्ट में तो पता था मुझे, अराउंड 500 कुछ ये था या 603 ऐसे कुछ था, मतलब ये कौन सा पता है आपको, नंबर नहीं पता लेकिन कंटेंट पता है। तो कंटेंट ये लिखा हुआ था कि फॉरेन कंपनी को बुक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन तभी करने हैं जब उसका इंडिया में क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। ये कंपनीज एक्ट तभी जाके क्या है, फॉरेन कंपनी को मैंडेट करती थी कि आप पे बुक्स मेंटेन करने की जवाबदारी तभी बनेगी, कब बनेगी, जबकि आपका अल्टीमेटली क्या है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका एज पर कंपनीज एक्ट बनेगा इफ यू हैव गॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है तब जाके ही आप पे ऑब्लिगेशन बनेगा टू मेंटेन द बुक्स। तो अगर मेरा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं इंडिया में, या कोई मेरी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं इंडिया में, तो क्या मुझ पे ऐसा कोई जवाबदारी या ऑब्लिगेशन बनेगा टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड द आंसर इज नो। और अगर कोई ऐसी जवाबदारी या ऑब्लिगेशन ही नहीं है टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट क्या मुझे रिफ्लेक्ट करना होगा, अगेन द आंसर इज नो। तो इसका मतलब यही होता है ना स्टूडेंट्स की देयर हैज टू बी एन ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और टू मेंटेन द बुक्स एज पर द कंपनीज एक्ट, क्योंकि यही आपका क्या है, द बेस वैल्यू, यही आपका बेस वैल्यू है। जब बेस वैल्यू के लिए, जो कि मैट का बेस वैल्यू है, जब उसके लिए कोई आप पे ऐसा, देयर इज नो ऑब्लिगेशन विच इज कास्टेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट, आप पे छोड़ रखा है, आपको बनाना तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ, तो हमने नहीं बनाया, तो फिर ये मैट क्या टिक पाएगा, द आंसर इज नो। जब बेस ही आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो बुक प्रॉफिट तो कहां तक पहुंचोगे। और यही वजह है, ये जो एक्सेप्शन में क्या लिखवाया गया था आपको, कि वो फॉरेन कंपनी जिसकी इंडिया में कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस या परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो उनको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगा एज फार एज द मेंटेनेंस ऑफ बुक प्रॉफिट इज कंसर्न, एज फार एज द मैट प्रोविजन इज कंसर्न। तो ये चीज आप लोग देख के चलेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पे अगर आप वहां पे एक बार फिर से देख लो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग आ जाइए उस कॉन्टेक्स्ट में। ये एक्सेप्शन पे जल्दी देखो, are you all through? आइए स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे एक्सेप्शन के द्वारा ये चीजों को हमने कंप्लीट किया है। अब और एक पॉइंट आता है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में चालू हो जाते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट, देखिए यहां पर भी बोला गया कि इन ये केस में भी मैट एप्लीकेबल नहीं हुआ, देखते हैं क्या है। फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल and shall be deemed never to have been applicable to an SSE. मतलब ये मैट एप्लीकेबल नहीं होगा किसको, बींग अ फॉरेन कंपनी, कौन है वो, एक फॉरेन कंपनी है इन दिस कॉन्टेक्स्ट,
वेयर इट्स टोटल इनकम कंप्राइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टोटल इनकम कंप्राइजेस व्हाट, हाईलाइट करके चलो इसको, सोलली सोलली ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 44B और 44BB, 44BBA एंड 44BBB एंड सच इनकम हैज बिन ऑफर्ड, यही इनकम, सच इनकम सच इनकम का मतलब जानते हो क्या? बताओ सच इनकम का मतलब क्या है? मतलब कि इन सेक्शनों में कुछ सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलता है, इन सेक्शनों में कुछ सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलता है। किस बात की ऑप्शन की बात कर रहे हो सर? वही ऑप्शन जो 44AD में मिलता है आपको। बताओ 44AD में ऑप्शन में क्या एक था कि अगर आपको लगता है कि आपका इनकम 8% या 6% जो 44AD का थ्रेशोल्ड है उससे कम है बिजनेस इनकम, तो आप पे ये ऑप्शन है, क्या ऑप्शन आपके हाथ में है? कि आप ऑफर कर सकते हो अपनी इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है ना? तो फिर वो ऑप्शन अगर वो एक्सरसाइज करता है तो फिर आपकी इनकम 44AD के हिसाब से कंप्यूट नहीं की गई है प्रिजम्पटिव तरीके से, फाइन? सो दैट इज वन थिंग। तो यहां पे भी नोटिस करना स्टूडेंट्स, इस सेक्शनों में भी कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, कुछ सेक्शनों में जहां पे आप अगर चाहो ये जो थ्रेशोल्ड दिया गया है इन सेक्शनों में उसके बजाय आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अपनी इनकम कंसिडर कर सकते हो, और वो वही SSC कंप्यूट करते हैं जिनको लगता है कि उसका एक्चुअल इनकम इस प्रिजम्पटिव इनकम से कम है। तो अब नोटिस करना स्टूडेंट्स क्या है, बीइंग अ फॉरेन कंपनी, फिर से पढ़ना, वेयर इट्स टोटल इनकम कंप्राइजेस सोलली ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। तो टोटल इनकम ये भी हाईलाइट करना, टोटल इनकम में सिर्फ ये है और दूसरा कोई भी इनकम नहीं है। कंप्राइजेस सोलली ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 44B, BB, BBA और BBB एंड सच इनकम हैज बिन ऑफर्ड टू टैक्स। सच इनकम का मतलब फिर क्या होगा? दैट इज इनकम कॉम्प्यूटेड ऑन प्रिजम्प्टिव बेसिस इनकम कॉम्प्यूटेड ऑन प्रिजम्प्टिव बेसिस अंडर दीज सेक्शंस। That is income computed on presumptive basis under these sections. तो ये इनकम जो presumptive basis के आधार पे आपने कॉम्प्यूट किया है तो फिर उस सिचुएशन में और आपने उसे ऑफर किया है टैक्स पर्पज के लिए, तो फिर उस केस में भी क्या होगा, आपको ये मैट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। क्योंकि बहुत ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि भाई जब हमने वहां पर एक एग्जिस्टिंग स्कीम है, जब वहां पर आपको एक एग्जिस्टिंग स्कीम मिलती है, वो स्कीम क्या है बताएं? वो स्कीम है कि आपको उस स्कीम के आधार पे ये ऑप्शन दिया जा रहा है दैट यू आर सपोज टू टेक से 5% जो 44BBA का एयरलाइन कंपनी है या 44B है 7.5% फॉर शिपिंग कंपनी। तो वहां पर ही आपको बोला गया कि अगर आप मिनिमम इतना इनकम बताओगे तो हम मान के चलेंगे कि यही आपका बिजनेस इनकम है, यही आपका बिजनेस इनकम है। तो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन मीट हो चुकी है, तो जब गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन मीट हो चुकी है तो तब भी क्या बोलोगे कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे करना होगा? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर भी तो एक मिनिमम इतना अमाउंट ऑफर होना चाहिए आपकी तरफ से फॉर अंडर द हेड PGBP। तो मिनिमम इतना आपने अमाउंट ऑफर कर ही रखा है तो फिर आप मैट का प्रोविजन अगर आप इन पे भी लागू करोगे जो कि मिनिमम उन सेक्शन के मुताबिक इनकम को ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तो ये बात कॉन्फ्लिक्टिंग लगेगी, दोनों सेक्शन कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहे हैं कि वहां पर भी आप मिनिमम बात करते हो कि इतना तो हमें आप इनकम दे दो इस टोटल इनकम में फ्रॉम दिस ऑपरेशन, और यहां पर भी मैट लगवा रहे हो उस पे, तो ये तो आप ही अपने अंदर क्या है कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ रहे हो। और इसी वजह से गवर्नमेंट भी समझती है कि वहां पे जबकि उसने मिनिमम उतना इनकम ऑफर कर रखा है तो फिर उनपे मैट लगवाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। सो दिस इज वन थिंग विच इज टू बी कंसिडर्ड स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए थोड़े 115JB सबसेक्शन 2 प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि बताया गया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आधार बनता है आपका बुक प्रॉफिट के कंपटीशन का। तो बताओ किस तरीके से करना है। 115JB सबसेक्शन 2 एवरी SSC बीइंग अ कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
for the relevant previous year as per Schedule 3 of the Companies Act 2013 or as per the Act governing such company. मैंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्सेट्रा. ठीक है, एक चीज आप नोटिस करना है यहाँ पे कि आप फॉरेन कंपनी, जैसे कि होता है ना फॉरेन कंपनी, तो वहां पे फॉरेन कंपनी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो उसको ऑप्शन दिया गया कि आप अपने जो आप रिपोर्टिंग करते हो जिस कंट्री में, वो जो आप पीरियड रखते हो फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, आप उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो. तो अगर कंपनीज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप अपने फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में जहां पे आपको अल्टीमेट रिपोर्टिंग करना है, आप वो पीरियड आजमाते हो फॉर प्रिपेयरिंग योर बुक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जो कि डिफरेंट है. किससे डिफरेंट है? फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने बुक्स को मेंटेन किया है ऑन कैलेंडर बेसिस, ठीक है, क्योंकि यही कैलेंडर बेसिस रिपोर्टिंग की जाती है एट आर हेड ऑफिस लोकेशन इन आउटसाइड इंडिया. तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने कैलेंडर बेसिस पे बना रखा है, जबकि इनकम टैक्स में हमें तो नेट प्रॉफिट चाहिए होगा, और वो नेट प्रॉफिट चाहिए होगा किसके लिए? फॉर द प्रीवियस ईयर, क्योंकि यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर पे टोटल इनकम पे टैक्स लगवाया जाता है. और इसी वजह से स्टूडेंट्स, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा, नेट प्रॉफिट बनाया होगा फॉर अ पीरियड अदर देन द प्रीवियस ईयर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? आपको रिकॉम्प्यूट करना पड़ेगा, और आपको लानी पड़ेगी अपनी नेट प्रॉफिट को एज पर दी प्रीवियस ईयर कंसेप्ट, क्योंकि फिर तो ये आगे बढ़ी नहीं पाएगा गाड़ी. ये एक कैलेंडर ईयर पर चल रहा है, दूसरा प्रीवियस ईयर पर चल रहा है, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. सो इफ द फाइनेंशियल ईयर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इज अडॉप्टेड डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, देन ऑल्सो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू प्रिपेयर The account shall not change. तो यहाँ पे देखो, इस ऊपर देखना, पहले लाइन पे देखना, every SSE being a company shall prepare, ये mandatory है, its statement of profit and loss account for, बताओ किस period के लिए? For the relevant previous year. For the relevant previous year. For the relevant previous year. Shall prepare its statement of profit and loss account for the relevant previous year as per the Schedule 3 of the Companies Act 2013. Fine students. Ab aao students yahan pe computation of book profit. Computation of book profit pe aate hain students jaldi se. Computation of book profits. Ab dekho students, net profit base hoga. और उस बेस को फिर हमें एडजस्ट करना है. मैंने जैसे बताया था, ऐड और लेस जो करेंगे आपको करना पड़ेगा वही ऐड और वही लेस जो कि 115JB में एक्सप्लेनेशन के द्वारा उन्होंने दिया है. बियॉन्ड दैट आप कुछ भी अपना लॉजिक जो वहां पे नॉर्मल प्रोविजन में लगवाते थे वहां पे नहीं लगवाना है. ये चीज ध्यान रखना, पहले से चेतावनी दे रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, TDS डिडक्ट नहीं होता था कहां पे? अंडर द नॉर्मल प्रोविजन. वहां पे TDS डिडक्ट जब नहीं होता था तो आप क्या करते थे? डिसअलाउ कर देते थे. सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू डिसअलाउ द TDS, सॉरी डिसअलाउ द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ द TDS डिफॉल्ट. आप वहां एड बैक करते हो, आप ये पहले पता लगाओ कि क्या यहां पर भी, मैं नहीं जानता, देखना पड़ेगा हमें भी, क्या कि क्या यहां पर भी लिखा हुआ है कि TDS डिडक्ट नहीं होगा तो आपके नेट प्रॉफिट में क्या है, एड करना होगा वो अमाउंट को जो कि डेबिट किया गया है, सो एज टू डिटरमाइन द बुक प्रॉफिट. ये आपको पता लगाना होगा. इसी वजह से मैंने क्या कहा था आपको, स्पेसिफाइड एडिशंस एंड स्पेसिफाइड डिडक्शंस. इसको छोड़ के बियॉन्ड इट्स स्कोप आप और कहीं और जाने की हिम्मत भी दिखाना नहीं. तो ये चीज आप लोग स्टूडेंट्स, एक चेतावनी दे रहा हूं आप लोगों को. तो ये स्पेसिफाइड एडिशंस और स्पेसिफाइड डिडक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट है. अब क्या मैंने किया, बहुत ही आपको थोड़ा सा ईज करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज ये लिस्ट बड़ी है, मैंने क्या किया ताकि आपको रिमेम्बर करना होगा. तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, हमने इंटरलिंक्ड एडिशंस और डिलीशंस ये कंसेप्ट को अपनाया है. व्हाट इज दिस इंटरलिंक्ड? अब क्या होता है, पहले तो उनका एक स्टेटमेंट पूरा चलता है एड का, और फिर वो एक्सप्लेनेशन में देते हैं लेस का अलग से स्टेटमेंट. अब होता क्या है ना, अगर आप जोड़ो एड और लेस में तो पता चलता है कि हाँ भाई ये और ये इंटरलिंक्ड हो रहे हैं. तो मैंने क्या करवा दिया कि जितने भी इंटरलिंक्ड है, आप खुद ही नोटिस करना इसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे. तीन मैंने इसको इस समय
डिवाइड किया है, तीन हिस्सों में स्टूडेंट्स ये इसको डिवाइड की गई है। पहला दो हिस्सा जो है वो इंटरलिंक्ड वाला कैटेगरी है, सॉरी पहला दो है जो कि आपका है इंटरलिंक्ड वाला है, और दूसरा वाला है जो इंडिपेंडेंट वाला है। सो फर्स्ट इज दैट ऑफ इंटरलिंक्ड और दूसरा वाला इंडिपेंडेंट है, और तीसरा हम लोग है करेंगे इन इंडियस कॉन्टेक्स्ट, इंडियस को अल्टीमेटली रखेंगे, इंडियस की जो एडजस्टमेंट 115 JB में की गई है उसका हम लोग क्या करेंगे अलग से करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला इंटरलिंक्ड एडिशंस और डिलीशंस, इसके बारे में ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट देखो आपके सामने आ रहा है, फिर मैंने आपके कुछ कमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, फिर 3, 4, 5 ये सारे इंटरलिंक्ड है, तो ये सब जाता है। फिर देखिएगा ये मैं अपना तीसरे पार्ट में करूँगा, थर्ड पार्ट में इसकी एनालिसिस करूँगा इंडियस के जो एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इसके थर्ड पार्ट का ये एनालिसिस कर लेंगे, और अब ये जो ये हमारा सेकेंड पार्ट का बनेगा क्या होगा, इंडिपेंडेंट एडिशंस एंड इंडिपेंडेंट डिडक्शंस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट वन एंड पार्ट टू करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो एडिशंस और डिलीशन जो करना है ये वन एंड टू, इंड एस और उसके साथ बाद में ये जो स्पेशल कंपनी पे जो टैक्स रेट लगवाया गया है वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डालूंगा, इंड एस एडजस्टमेंट एंड द नेक्स्ट पर्टिकुलर आस्पेक्ट उसको मैं अपने अगले पार्ट ऑफ वीडियो में डालूंगा। तो आइए स्टूडेंट जल्दी से पहले हम लोग इस चीज को कंसिडर करते हैं वन बाय वन, काफी लॉजिकल है ये चीज को, अगर हम लोग लॉजिकली भी अगर करें तो आसानी से ये क्रैक हो जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। नेट प्रॉफिट अराइव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और द रिलेवेंट एक्ट ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एज द केस में बी, जो भी होगा। और उसमें आपको करना क्या है, फॉर एड इफ एनी अमाउंट इन ऑल पॉइंट इज डेबिटेड टू दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई क्रेडिट अगर हुआ होगा तो उसको भी आपने उसी तरीके से लेस करना है। चलिए पहले देखते हैं स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है। एड टू दिस अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व वॉट एवर नेम कॉल्ड, मतलब बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अगर कोई अमाउंट आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है विच इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अदर देन 33AC को छोड़ के, तो अगर कोई रिजर्व में अगर अमाउंट ट्रांसफर आपने किया है चाहे जो भी नाम का है तो आपने उसको एड करना है, ठीक है। ये आप क्या करेंगे एड करके चलेंगे, ये डिस्पोजल ऑफ एसेट वाला पॉइंट है, ये मैं थोड़ी देर बाद उठाऊंगा। आप बोलोगे ये ऐड क्यों करना है, क्या वजह होगी स्टूडेंट्स इसको ऐड क्यों करना हुआ, क्या लॉजिक हो सकता है। आप लॉजिकली सोच के चलो स्टूडेंट्स, भाई रिजर्व में अब देखो एक अगर कोई कंपनी है, लॉजिकली समझ के चलना, एक अगर कोई कंपनी है जिसको ये पता है कि उसकी लायबिलिटी जो है वो मैट के हिसाब से नहीं बनेगी, सॉरी उसकी जो लायबिलिटी है वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से नहीं बनेगी, उसकी जो लायबिलिटी है उसको पता है वो मैट के हिसाब से बनेगी, तो वो कोशिश ही करता रहेगा। जैसे रिलायंस जो पहले था उसको पता था कि भाई उसकी जितनी लायबिलिटी है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े डिडक्शन ले लेते हैं, कहां पे अंडर द नॉर्मल प्रोविजन, जब इतने बड़े डिडक्शन आपने ले लिया है तब तो आपका बहुत ही टोटल इनकम कम होगा और टैक्स लायबिलिटी उस पर और भी कम। तो ऐसी जो कंपनीज है उनको पहले से पता होता है कि भाई हमें क्या करना है, वी हैव टू इंश्योर कि क्योंकि हमारी लायबिलिटी बनेगी मैट में, तो हम मैट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अपने बुक प्रॉफिट को कम कर सकते हैं वो तरीके ढूंढते थे। उनको ये पता था क्या कि बुक प्रॉफिट एक फाइनल रिजल्ट है जिसका बेस वैल्यू क्या है, बुक प्रॉफिट तो एक फाइनल रिजल्ट है लेकिन जिसका बेस वैल्यू क्या है, नेट प्रॉफिट। तो हमें किसी तरह से ये नेट प्रॉफिट को कम करना है, और यही तरीका वो अपनाते थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पे, वो उस नेट प्रॉफिट को कम करने की कोशिश में लगे रहते थे ताकि उससे क्या हो जाए, उनकी बुक प्रॉफिट फाइनली कम हो जाए। और जैसे बुक प्रॉफिट कम हो जाएगा तो भले ही लायबिलिटी उनको मैट के हिसाब से लगनी है लेकिन वो लायबिलिटी काफी हद तक कम हो सकती है, दिस इज द इंटेंशन। और यही वजह है कि अगर आपने अपना पीएनएल में डेबिट किया है बाय थ्रू एक रिजर्व के नाम पे आपने पीएनएल में डेबिट करवाई है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, चाहे किसी भी नाम का आपने उसको दिया होगा, तो वो आप उसे क्या करेंगे एड बैक, ठीक है। अच्छा अब ये क्या होगा, लेस रिजर्व विड्रॉवल क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे आपको लेस करना। लॉजिक क्या होगा, आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स हर एडजस्टमेंट को लेके नोट्स में क्विकली उसको बनाते रहना कि ये एडजस्टमेंट नंबर वन का जैसे नोट्स होगा उस तरीके से आप लोग भी कार्रवाई करते रहे। तो ये एडजस्टमेंट नंबर वन के कॉन्टेक्स्ट में लॉजिकली सोचो, तो ईयर वन में क्या होगा,
और उसके बाद ये क्या क्या किया होगा वो बता रहा हूँ। सो उन्होंने कुछ भी एक ऐसा रिजर्व्स फंड बना दिया, कोई भी रिजर्व फंड पकड़ लो, एम्प्लॉय रिजर्व फंड में कुछ पैसा डाल दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक डेबिट मारी है, ये उनकी पीएनएल है, पीएनएल स्टूडेंट से डेबिट मार लिया उन्होंने रिजर्व फंड के नाम पे, चाहे किसी भी नाम का डाल दो, उससे फिर आपकी नेट प्रॉफिट जो आपने बनाई है, फाइनली जो नेट प्रॉफिट आपने बनाई है उसी नेट प्रॉफिट पे अब आपने आगे बढ़ाना है बुक प्रॉफिट के लिए। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स व्हाट यू विल डू वुड बी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये ऐड आप करोगे, क्या ऐड करना है आपने इसमें, एज पर 115 JB का आपका ऐड आएगा, ये जो रिजर्व फंड आपने जो डेबिट किया है, रिजर्व फंड जो आपने डेबिट कर रखी है दैट हैज टू बी एडेड बैक सो एज टू डिटरमाइन द बुक प्रॉफिट्स, सो एज टू डिटरमाइन द बुक प्रॉफिट वो आपने अल्टीमेटली ऐड कर दिया है और ये आपकी बुक प्रॉफिट बन गई है, ये आपकी बुक प्रॉफिट बन चुकी है स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज फॉर ईयर वन। अब आप नोटिस करना कि क्या हुआ होगा, बाय द वे इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ गई है, इसका सेकेंड इफेक्ट गया होगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में गया होगा ना, ईयर वन की बैलेंस शीट अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे रिजर्व फंड करके आपने एक अमाउंट क्रिएट करवा दी, सेकेंड इफेक्ट तो बैलेंस शीट में चला गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ईयर वन, तो ईयर वन की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। ईयर टू में देखेंगे स्टूडेंट्स क्या हुआ होगा, व्हाट वुड हैव हैपेंड इन ईयर टू, इन ईयर टू ये भाई साहब ने इसी पीएनएल पे इन्होंने इसको राइट ऑफ किया है, तो ये जब राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ पीएनएल के जरिए बाय रिजर्व फंड फॉर वॉट एवर रीजन, ये एक्सेस होगा या अब इसकी जरूरत नहीं है उसे, जो भी वजह होगी, तो ये राइट ऑफ करके स्टूडेंट्स आपने फिर क्या किया होगा बिकॉज ऑफ दिस राइट ऑफ, व्हाट वुड हैव हैपेंड बताओ लीजिए, बिकॉज ऑफ दिस राइट ऑफ व्हाट वुड हैव हैपेंड, यहाँ पे आप लोग करेंगे ऐड, नेट प्रॉफिट आपका बनेगा, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है दैट वुड बी अ वेरी रिड्यूस्ड अमाउंट, सॉरी दिस वुड बी अ हायर अमाउंट, रिजर्व फंड को पीएनएल क्रेडिट में डाल दिया है तो ये जो नेट प्रॉफिट है आपका बढ़ गया है, लेकिन इस नेट प्रॉफिट का ये जो आपने प्रोविजन जो क्रिएट किया था, रिजर्व जो क्रिएट किया था पहले साल, उसको आपने पहले ही बुक प्रॉफिट में कैप्चर कर लिया है, उसको ऐड बैक करवा दिया था आपने, तो उस अमाउंट को पहले ही आपने बुक प्रॉफिट में क्या है कैप्चर करवा लिया है। अब फिर से ये अमाउंट को जब आप राइट ऑफ करते हो और ये आपके नेट प्रॉफिट में आ गया है, आप अगर कुछ नहीं करोगे इस नेट प्रॉफिट पे, आप अगर कुछ नहीं करोगे इस नेट प्रॉफिट पे, तो ईमानदारी से बताएं स्टूडेंट्स क्या ये फिर से बुक प्रॉफिट में एंटर कर जाएगा, बिल्कुल, और अगर ये फिर से एंटर कर गया तो क्या डबल टैक्सेशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और इसी वजह से क्या इस पे एडजस्टमेंट देना जरूरी है, द आंसर इज यस। तो स्टूडेंट्स यहां पे नोटिस करना, यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग लेस करेंगे, लेस किसके साथ किया जाएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ दी 115 JB में ही आपको ये लेस किया करवाया जा रहा है फॉर द रिजर्व फंड रिटर्न ऑफ, ये लॉजिक क्या है बताओ स्टूडेंट्स, क्या लॉजिक है मैंने बताया आप लोगों को, क्यों ये लेस करवाया जा रहा है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द सेम, टू अवॉइड व्हाट, टू डबल टैक्सेशन, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन कि ये लेस करवा रहे हैं, ये अमाउंट पहले ही कैप्चर हो चुकी है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट होल्ड विद दिस पॉइंट, ठीक है, चलिए फिर अगले एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। अगला एडजस्टमेंट जो है स्टूडेंट्स वो है डेप्रिसिएशन को लेके, आप देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि डेप्रिसिएशन को लेके व्हाट द कंपनी विल डू, अब लॉजिकली फिर से सोचना है कंपनी क्या करेगी, कंपनी देखो एक चीज होता है ना कि इनकम टैक्स लॉ में
आप मुझे बताओ स्टूडेंट, क्या इनकम टैक्स लॉ के अंदर रिवैल्यूएशन की इजाजत है? कैन यू डू अ रिवैल्यूएशन इनकम टैक्स लॉ में? पढ़ा होगा ना नॉर्मल प्रोविजन आपने, तो कहीं पे कोई नॉर्मल प्रोविजन में ये लिखा है कि रिवैल्यूएशन की इजाजत है, या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन की इजाजत नहीं है? बताओ। हाँ, बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं सर, रिवैल्यूएशन की इजाजत नहीं है। कहीं लिखा हुआ है, कहीं कोई ऐसा प्रोविजन पढ़ा आपने कि रिवैल्यूएशन करने नहीं देंगे? एनीवेयर यू हैव रेड दिस प्रोविजन, जल्दी बताओ। कोई ऐसा प्रोविजन आपके दिमाग में हो तो आंसर सुन लो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई प्रोविजन लिखा ही नहीं है कि रिवैल्यूएशन की हम आपको इजाजत नहीं देंगे। देयर इज नो सच प्रोविजन, और हमें प्रोविजन की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने एसेट का जो जो फाइनली जो इम्पैक्ट होता है क्या होगा, वो ब्लॉक के, वो डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में होगा। दो ही चीज़ हो सकती है ना, या तो वो डेप्रिशिएबल एसेट है या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। जहाँ तक डेप्रिशिएबल एसेट है वो पहुँचता है पीजीपी में, जब आप उसके लिए एक ब्लॉक बनाते हो। और अगर आपने ब्लॉक का फॉर्मेट ही देखा होगा 43(6) के अंदर, तो आप एक चीज नोटिस करना, ओपनिंग WDV होती है और फिर आप उस पर एड करते हो एडिशंस में ड्यूरिंग द ईयर, और वो जो एडिशंस होता है ड्यूरिंग द ईयर किस वैल्यू पे एडिशंस किए जाते हैं बताएं, किस वैल्यू पे एडिशंस किए जाते हैं? तो वो एडिशंस होता है ऑन द एक्चुअल कॉस्ट, ऑन द एक्चुअल कॉस्ट दैट द एडिशंस आर बीइंग मेड। तो जब अगर एडिशंस एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से किया जाता है, तो कोई भी गुंजाइश बचती है या रह जाती है फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द डिडक्शन और फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग एनी रिवैल्यूएशन, एंड द आंसर इज नो, क्योंकि ब्लॉक में एंट्री होती है एसेट की एक्चुअल कॉस्ट पे। और फिर उसके बाद जानते हो क्या होता है, फॉर्मेट है ब्लॉक का, ब्लॉक का फॉर्मेट बताओ क्या कहता है, ओपनिंग WDV एड एडिशंस जो कि होगा एक्चुअल कॉस्ट पे, और फिर उसके नीचे जो आप सेल करते हो, डिस्कार्ड करते हो, या किसी वजह से आपको अपने ब्लॉक ऑफ एसेट के कॉन्टेक्स्ट में पैसे मिलते हैं फ्रॉम एनी पर्सन, वो पैसे को जो आपको मिलता है दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड। तो आपने जो पैसे रिसीव किए दैट विल बी रिड्यूस्ड, यही है फॉर्मेट ब्लॉक का। और फिर आपको मिल जाता है क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, और उसी में आपको डेप्रिसिएशन लगवाना है। कहने का मतलब ये है कि जहां तक डेप्रिशिएबल एसेट की बात है, फॉर्मेट 43(6) ने दे रखा है जिसमें रिवैल्यूएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, ये बात जरूर है कि आपके पास क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस जरूर है जहां पे कैपिटलाइजेशन की बात की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 43A हुआ है, जहां पे 43A में आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अगर हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फॉरेन करेंसी लोन विच इज टेकन फॉर अ फॉरेन एसेट, तो वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी लोन का जो फ्लक्चुएशन है उसे आप कैपिटलाइज करते हो विद द ब्लॉक ऑफ द एसेट विद द एक्चुअल कॉस्ट, तो आप उसे कैपिटलाइज करते हो। तो वो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन से अगर कैपिटलाइजेशन की बात रखी गई है तो कैपिटलाइजेशन आप करोगे, लेकिन उसके अलावा कोई और गुंजाइश नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो एक चीज नोटिस करके चलना आप लोग कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर नॉर्मल प्रोविजन में कोई भी कंसेप्ट नहीं है रिवैल्यूएशन का, तो वो तो आप रूल आउट कर ही दो। लेकिन यहां पर तो SSC को मैट की चिंता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है टोटल इनकम पे तो वैसे ही वो कम कर लेगा डिडक्शंस लेके, और भी डिडक्शंस है उसके पास, तो वहां पे लायबिलिटी उसकी टोटल इनकम पे उसकी चिंता नहीं है, उसको चिंता मैट की, क्योंकि अब वो उसको मैट के हिसाब से क्या है टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो फिर बताओ क्या करने की कोशिश करेगा, कुछ तो हथकंडे अपनाएगा कि भाई वो किसी तरह से उसकी प्रॉफिट कम हो जाए। एक जो दूसरा तरीका वो अपनाता है टू रिड्यूस हिज प्रॉफिट, जो एक दूसरा तरीका अपनाता है टू रिड्यूस हिज प्रॉफिट इज व्हाट, बताएं जल्दी से? वो कंपनी बुक्स में रिवैल्यूएशन करता है अपने एसेट्स को, कंपनीज के बुक्स में स्टूडेंट्स वो रिवैल्यूएशन करवाता है अपने बुक्स को, कंपनी के बुक्स में। अब वो रिवैल्यूएशन है वहां पे ऐसी कोई मनाही नहीं है, तो फिर वहां पर ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के नाम पे आप क्या करते हो, रिवैल्यूएशन करवाते हो, एंड देन यू आर इंक्रीजिंग दैट वैल्यू, ठीक है? और उसको वैल्यू को इंक्रीज करके आप जो डेप्रिसिएशन जो आप क्लेम करते हो एज पर द कंपनीज एक्ट, वो उसका क्लेम बढ़ जाएगा, और अगर उसका क्लेम बढ़ गया तो फिर नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट वो कम हो जाएगा। तो ये सारे रिपल इफेक्ट्स होंगे, जैसे कि आपने रिवैल्यूएशन कर दिया अंडर द कंपनीज एक्ट, फिर उसका इंपैक्ट आप देख रहे हो कहां पे,
इन द हायर क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट, जो कि फाइनली रिड्यूस कर देगा क्या आपका नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट, जो कि आपका बेस अमाउंट है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द बुक प्रॉफिट, जो कि आपका बेस अमाउंट है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द बुक प्रॉफिट। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बनती है, जो कि आप लोग ध्यान रखना। और इसी वजह से क्या करते हैं गवर्नमेंट, यहाँ पे उन्होंने ये जो रिवैल्यूएशन के बहाने आपने जो कोशिश की है नेट प्रॉफिट एज पर दी कंपनीज एक्ट को कम करने के लिए, वो कोशिश को नाकामयाब करने के लिए ही ये एडजस्टमेंट डाला गया है। एक बार एडजस्टमेंट की तरफ देख लेते हैं और फिर बाद में मैं आपको यहीं पे वापस से एडजस्टमेंट नंबर टू के नोट दे देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड डेप्रिसिएशन एंड देयर आफ्टर लेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन on account of revaluation of the asset less revaluation reserve withdrawal restricted to the depreciation on account of revaluation of the assets and credited to the profit and loss account। ये अमाउंट इसका मैंने अपने तरफ से बताया, आप बोलो कि तो समझा नहीं हमें, बात सही कह रहे हो स्टूडेंट्स, आपको समझा नहीं है। डीएस कमेंट में मैंने इसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे दी है। अब मैं आप लोगों को इसको वही केस स्टडी के रूप में आप लोग लिख दो, एडजस्टमेंट टू, एडजस्टमेंट टू। नाउ देन स्टूडेंट, आई एडजस्टमेंट टू की तरफ। तो ये यहां पे जो अमाउंट बनेगा एडजस्टमेंट टू पे, ध्यान से देखना, इस पे भी आप मुझे बताओ इसके दो इफेक्ट होंगे। रीवैल्यूएशन जब करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, व्हेन यू डू अ रीवैल्यूएशन जनरल एंट्री क्या पास करते हो, जल्दी बताओ जनरल एंट्री क्या पास करते हो। बिल्कुल सही कहा, रीवैल्यूएशन रिजर्व आप लोग ये क्रिएट करते हो, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, इजंट इट, यही होता है ना। तो जो भी होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व जब बनाई जाती है तो उसकी एंट्री जो उसका इंपैक्ट होता है वो जाता है बैलेंस शीट में, पीएनएल आप छेड़ते नहीं हो, अनलाइक पिछले वाले एडजस्टमेंट को लेके के जहां पे आपका पीएनएल को आप टच करते हो क्योंकि रिवैल्यूएशन सॉरी आपने रिजर्व वहां पे क्रिएट किया है, यहां पे आपने एसेट को रिवैल्यू करवाया है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो जनरल एंट्री जो हम पास करते हैं और वहां पे डेबिट नहीं किया गया, पीएनएल को डेबिट नहीं किया गया, तो एज फार एज दिस जनरल एंट्रीज एज फार एज दिस एंट्रीज कंसर्न, अभी फिलहाल हमारा नेट प्रॉफिट इस एंट्री से इंपैक्ट इसका नहीं है, मानते हो ना इस बात को, नेट प्रॉफिट का इंपैक्ट इस एंट्री से अभी नहीं आया। इंपैक्ट बताओ फिर किस रूप में आएगा, आपको अब पता चल चुका है। तो ये जो होगा ये आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये डेप्रिसिएशन का जो क्लेम बनेगा, हायर क्लेम अब आ गया आपका, यही हुआ ना, हायर क्लेम आ जाएगा डेप्रिसिएशन का। सो इफ देयर इज अ हायर क्लेम और ये डेप्रिसिएशन की वजह से ये क्या हो रहा है, इसकी अब नेट प्रॉफिट कम हो गई है, टू दैट एक्सटेंट नेट प्रॉफिट इज गॉन नाउ बिकॉज ऑफ द हायर क्लेम ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो ये देखो इफेक्ट इसकी किस तरीके से कंसिडर आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं ताकि आपको भी आसानी हो जाए, तो मैं न्यूमेरिकल्स इसका ले लेता हूं। यहाँ पे इसको 100 रुपीज से बढ़ाया गया है, ठीक है, 100 रुपीज से बढ़ाया गया है, 10% का रेट लेके चलते हैं डेप्रिसिएशन का। तो कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन मैंने मारा स्टूडेंट, 10 से क्या है मेरा एक्सेस डेप्रिसिएशन हुआ है। अगर 100 का वैल्यू मैंने बढ़ाई है, 10% का रेट है, तो फिर कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन लिया आपने 10 का, नेट प्रॉफिट आपका कितना, कितने में से कम हुआ है, ये 10 से कम हुआ है, नेट प्रॉफिट का इफेक्ट जो कम हुआ है कितना कम हुआ है, 10 का कम हुआ है। तो इसी वजह से बताओ जब बुक प्रॉफिट आप करोगे, जब भी आप बुक प्रॉफिट करोगे तो ऐड करना होगा, क्या ऐड करोगे आप, द डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूड पोर्शन, उसको आप ऐड कर लेंगे, ये 10 आ रहा आपका और वो ऐड करके आपकी बन गई है बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट बन चुकी स्टूडेंट।
ठीक है, बुक प्रॉफिट आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स नोटिस करोगे, बुक प्रॉफिट तो अब आपको मिल गई है। अब आइएगा सेकेंड पार्ट को लेके, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो आपकी बढ़ा, जो आपने बढ़ाया है 100 का, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताऊं, अब यहां से तो फिक्स एसेट कम होती जा रहा है, उसकी वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन वो रिवैल्यूएशन रिजर्व लायबिलिटी में ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। अब वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो कंपनीज एक्ट का जो हमारा सिद्धांत होता है, उसको अल्टीमेटली क्या है, वो डायल्यूट कर रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू इज नाउ कमिंग अंडर द अटैक, उसको भी तो हमें बचाना है। तो फिर ऐसे केस में क्या करोगे, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको राइट ऑफ करोगे। और जनरली वो क्या है, मैचिंग कंसेप्ट करते हैं, जितना आपने फिक्स एसेट का कम किया है डेप्रिसिएशन के जरिए, उतना तक का आप एक मैचिंग कंसेप्ट अप्लाई करते हो टू राइट ऑफ इवन द रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, ऐसा कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो तो कंपनी के हिसाब पर डिपेंड करता है कि वो कितना वो रिवैल्यूएशन रिजर्व की वो राइट ऑफ करेंगे, सो एज टू मैच अप विद द फिक्स एसेट राइट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में, देखो मैं यहां पे क्या कर डाल रहा हूं, मान के चलो कि ईयर अगले साल में अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व से ये आरो जा रहा है, वो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है और इस पे उसने क्या कर रखा है बताओ, टू बता जल्दी से, सॉरी ये जब राइट ऑफ करेगा तो पीएल क्रेडिट में, उसको मुझे वहां से लेना था, ठीक है चलो इसको फिर यहां पर ही ले लेते हैं अपन। रिवैल्यूएशन रिजर्व जैसे मैंने बताया ना, कुछ पॉलिसीज उनको बनानी पड़ेगी कि भाई आपका राइट ऑफ जो आप करोगे वो किस पैटर्न से आप इसको राइट ऑफ दोगे, तो वो भी एक पॉलिसी के आधार पे ही राइट ऑफ की जाएगी, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी राइट ऑफ करवा दिया। जनरली मैंने बताया आपको कि वो उसी तरीके से राइट ऑफ करता है जिस तरीके से डेप्रिसिएशन का इफेक्ट मिल रहा है, किस पे, ऑन द फिक्स एसेट पे, लेकिन कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ स्टूडेंट्स कि उसकी जो राइट ऑफ की है उसने पीएनएल में से 8 की राइट ऑफ हुई है, ये केस स्टडी नंबर वन है। दूसरे केस में राइट ऑफ जो किया है उसने यहाँ पे कर रहा है 10 का। तीसरे केस में जो राइट ऑफ कर रहा है कितने का कर रहा है, 12 का कर रहा है। तो देर आर 3 डिफरेंट केसेस ऑफ द राइट ऑफ दैट ही हैज डन, 8, 10 एंड 12। उसी हिसाब से फिर आपने अपनी नेट प्रॉफिट बनाई है। तो अब आप इतने होनहार बच्चे हो कि आप खुद ही बता सकते हो कि फाइनली बुक प्रॉफिट कितना बनेगा, हाउ मच विल बी द बुक प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर केस, बताएं जल्दी से भाई। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो आपने राइट ऑफ कर रखी है उस पर नेट प्रॉफिट बाद में लाया, तो ये नेट प्रॉफिट फाइनली कितने बुक प्रॉफिट में तब्दीली ले लेगा, कितने में ले लेगा तब्दीली इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये चीज होंगी आप लोगों की, तो आपको ऐड करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, एंड व्हाट इज द ऐड अमाउंट, सॉरी लेस होगा, ये लेस क्या होगा, कितना अमाउंट लेस होगा, ये जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व जो राइट ऑफ करवाई है पीएनएल क्रेडिट में जो गया है, जिससे कि आपका क्या है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट तो बढ़ ही गया ना एक तरीके से, और ये अमाउंट पे आपने पहले ही इसके पिछले साल में ही क्या कर दिया है, आपने उसको बुक प्रॉफिट में कंसिडर कर लिया है डेप्रिसिएशन, क्योंकि ध्यान रखना वो अमाउंट आया है इन द फॉर्म ऑफ हायर क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो अमाउंट को पहले ही आपने एड बैक करवा दिया था, जो हायर क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन का जितना अमाउंट है वो अमाउंट पहले ही आपके बुक प्रॉफिट में आ चुका है। तो अगर वो अमाउंट पहले ही डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में आपके बुक प्रॉफिट में, हायर क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में आपके बुक प्रॉफिट के अंदर आ चुका है, तो क्या अब भी फिर से इसको मैं, क्या फिर से इसको मैं वापस से नेट प्रॉफिट पे बने रहने दूं? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि अगर आपने इसको नेट प्रॉफिट में बने रहने दिया तो फिर से क्या हो जाएगा, ये बुक प्रॉफिट में बैठ जाएगा और डबल टैक्सेशन होगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो राइट ऑफ है आपने एड लेस करवा देनी है नेट प्रॉफिट से। कितना लेस करोगे आप, 8 पहले केस में, दूसरे केस में 10, तीसरे केस में भी रोकना पड़ेगा आपने स्टूडेंट्स, 10 तक ही आप उसे करोगे। क्यों? क्योंकि एज फार एज टू इज कंसर्न, क्या कहेंगे, एज फार एज टू इज कंसर्न,
बता दो इसे, देर इज नो डबल टैक्सेशन। बिल्कुल सही कहा, रीजनिंग की दाद देनी होगी। प्रीमियम तो देखो रीजनिंग की है, रीजन कर पाते हो मार्क्स कमाओगे, नहीं हो पाता है वंचित रह जाओगे। दो को लेके कोई भी डबल टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि इसको निकालने का लॉजिक क्या है, ये यहां से निकल रहा है, इसको लॉजिक क्या है इसको निकालने का, तो लॉजिक यही है कि भाई देर इज अ डबल टैक्सेशन विच इज हैपनिंग, देर इज अ डबल टैक्सेशन विच इज हैपनिंग, क्योंकि वो अमाउंट पहले ही हमने पिछले साल में डेप्रिसिएशन ऑन द एनहांस्ड अमाउंट, जो डेप्रिसिएशन है ऑन द एनहांस्ड अमाउंट, वो तो हमने पहले ही पिछले साल में उसे कंसिडर कर लिया था बुक प्रॉफिट में। कैसे कंसिडर कर लिया था? बाय एडिंग दिस अमाउंट, बाय एडिंग दिस अमाउंट। तो जबकि वो कंसिडर हो चुका था, तो अब फिर से इसको कंसिडर करने का कोई भी रेलिवेंस नहीं बनता है, क्योंकि अब वापस से वही अमाउंट आ रहा है पीएनएल क्रेडिट साइड में, तो उसको आपको बाहर निकालना है। लेकिन उतना ही बाहर निकालोगे जितना तक का डबल टैक्सेशन का केस बन रहा है, और इसी वजह से लास्ट के केस में आपको 10th तक ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि एज फार एज टू इज कंसर्न, जो एक्सेस आपका राइट ऑफ बना हुआ है उस पर अभी तक डबल टैक्सेशन नहीं है, एंड दैट इज द रीजन वाई यू विल नॉट एड बैक टू, यू विल नॉट एड बैक 12, बट यू विल एड, यू विल सॉरी, यू विल नॉट लेस 12, यू विल लेस ओनली 10। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। कर लिया आप लोगों ने इस चीज को कंप्लीट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे इस सिचुएशन पे लेके, आइए स्टूडेंट्स अब अगले कॉन्टेक्स्ट में। पॉइंट नंबर 3, डीटीए या डीटीएल जो क्रिएट होता है आपके पीएनएल में, वो आप इसे ऐड करके लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ये जो मैट ला रहे हैं दैट हैज टू बी बिफोर एनी टैक्स प्रोविजन। भाई डीटीए और डीटीएल का जो बुक में प्रोविजन है वो उसके पहले हमें एक्चुअल मैट निकालना है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको कैसे हम वो टैक्स के प्रोविजन जो कि डीटीए और डीटीएल क्रिएट करता है, वो प्राइमरी, वो टाइमिंग डिफरेंस जो आप कहते हो AS 22 की वजह से, वो तो बनेगा ही नहीं। इसी वजह से दैट दिस बुक प्रॉफिट हैज टू बी बिफोर द प्रोविजन फॉर टैक्सेस। तो इसी वजह से ये जो होगा, बुक प्रॉफिट हैज टू बी बिफोर द प्रोविजन ऑफ टैक्सेस, एंड हेंस कोई डीटीए या डीटीएल अगर या डेबिट या क्रेडिट अगर की गई होंगी तो आप उसे कंसिडर नहीं करोगे। चौथे पॉइंट पे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इन दिस कॉन्टेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स आप सभी लोग ये पढ़ेंगे। चौथा और पांचवा पॉइंट ये है आपका बिजनेस ट्रस्ट का केस, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये बिजनेस ट्रस्ट का केस, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप लोग। फोर्थ एंड फिफ्थ बिजनेस ट्रस्ट का केस, पढ़ लिया? अब आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स क्या था एग्जैक्टली, याद करो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एडजस्टमेंट चार और पांच सात में, एडजस्टमेंट नंबर चार और एडजस्टमेंट नंबर सात दोनों साथ में चल रहे हैं स्टूडेंट्स। एक मिनट इसको मैं इसको ये कर लो, फोर्थ एंड फिफ्थ तो चलिए स्टूडेंट्स इसको मैं केस स्टडी के जरिए आप लोगों को बता देता हूं, सो दैट यू विल बी इन अ पोजिशन टू अप्रिशिएट द थ्योरेटिकल पार्ट, अदरवाइज ये ऐसा तो समझ में आएगा नहीं। तो ये स्टूडेंट्स आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें थोड़ा बहुत तो
होपफुली आप लोग ने किया है, तो उसमें आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है, और उसी बेस अंडरस्टैंडिंग के बेस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसी को आगे लेके चलेंगे। तो ये आपका हो गया एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5, 4 एंड 5, ठीक है। अब इसके अंदर प्लेयर्स कौन कौन है, पहले ये चीज़ को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। तो एक तो आपका ये जो स्पॉन्सर होता है, डीएलएफ लिमिटेड स्पॉन्सर है ये रिट का, और ये होल्डिंग कंपनी भी है आपने एसपीवी का, एक जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे एज व्हाट, एज डीएलएफ हाउसिंग लिमिटेड। ये इसके स्पेशल पर्पज व्हीकल है जिसके थ्रू से वो क्या करता है, काफी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। तो ये शुरुआत में प्रणी इसने क्या किया होगा, अक्वायर किया होगा दी अक्वायर्ड शेयर्स, ठीक है। तो इस पे जो भी इसकी कॉस्ट होगी, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, द सेकेंड पार्ट, ये जो शुरुआत रिट की होती है उस शुरुआत पे बताओ क्या होगा। तो ये पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एसपीवी बोल दो या फिर इसको सब्सिडरी कंपनी भी बोला जाए। अब जो शुरुआत जो होती है इस खेल की, वो होती है इस, ये डीएलएफ लिमिटेड जो स्पॉन्सर है या होल्डिंग कंपनी है, उसने क्या करना है, एसपीवी की शेयर को ट्रांसफर कर देनी है। किसको, टू दी रिट को। रिट को आप एसपीवी के शेयर को ट्रांसफर कर देते हो, तो अकॉर्डिंगली ये आपका डीएलएफ रिट है। डीएलएफ रिट, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रिट पे आपने क्या कर देना है, यहां पे यू आर सपोज टू ट्रांसफर द शेयर, ये सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट पे, यही लॉस कुछ आने वाला है यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में। ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ एसपीवी, और उसके बदले क्या मिलेगा उसको, ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ एसपीवी टू रिसीव द यूनिट्स ऑफ रिट। और ये मालूम है 47 में कवर्ड है, मतलब कि ये टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं माना जाता है, ये टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं माना जाता है। अब स्टूडेंट इसी ट्रांसफर पे, ये जो आप 4A और 4B देखो किताब में आओ, 4A और 4B में बताओ क्या लिखा है, इन 4A एंड 4B व्हाट व्हाट दे रिटन। 4A में आना भी फिलहाल, 4A में ऐड और 4A में लेस, 4A में ऐड एंड 4A में लेस देखो क्या लिखा हुआ है। तो यहां पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ अ एसपीवी टू अ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सचेंज ऑफ द यूनिट्स अलॉटेड बाय दी ट्रस्ट रेफर टू इन सेक्शन 47। तो नोशनल लॉस हुआ होगा, मतलब कि जो भी नोशनल लॉस है आपका, जो कॉस्ट है वो ज्यादा है आपके, जो वैल्यू ऑफ यूनिट है रिट के उसके अगर वैल्यू से ज्यादा होगा तो फिर भाई आप बोलोगे कि भाई मुझे नोशनल लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन ये नोशनल है, नोशनल क्यों, क्योंकि भाई रियल लॉस तो तब होगा जब फाइनली आप बेचोगे, पैसे मिलेंगे, तब जाके ये रियल लॉस होगा या रियल गेन होगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये नोशनल लॉस है, या फिर आप लेस में देखना जरा, 4A में ही लेस में, लेकिन वहां पे लिखा नोशनल गेन क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या नोशनल गेन, उन्होंने बुक्स के हिसाब से तो उसको क्रेडिट किया ही होगा बुक्स के हिसाब से, क्योंकि इनकम टैक्स में ये टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं माना जाता, जब एक्सचेंज हो रहा है उसको हम टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं मानते, लेकिन अकाउंटिंग में तो ये तो इनकम मान ली जाएगी, या लॉस अगर हुआ होगा तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया होगा उन्होंने अकाउंटिंग के बेसिस पे। ऑल दो एज पर द इनकम टैक्स, दिस मे नॉट हैव बीन कंसिडर्ड एट फर्स्ट प्लेस, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं यहां पे चलूं तो नोशनल गेन और लॉस जो है इसको ऊपर लिखोगे स्टूडेंट्स, 4A, 4A जो एडजस्टमेंट है आपका, इसमें
क्या डाला गया? नोशनल गेन या फिर लॉस जो हुआ है, और ये कैसे नोशनल गेन और लॉस माना जा रहा है, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू है, FMV है, जो ऑफ द यूनिट्स ऑफ रेट जो उसको मिला है, उसको आपको कंपेयर करना विद व्हाट? FMV ऑफ द यूनिट्स ऑफ रेट विल बी कंपेयर्ड विद व्हाट? द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द शेयर्स। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दी शेयर्स उसको आप इससे कंपेयर करके नोशनल गेन या लॉस आप ला रहे हो, ठीक है? नोशनल गेन और लॉस को आप ला रहे हो, तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैज टू बी लुक्ड अपॉन। अब देखो स्टूडेंट, जो तीसरा पॉइंट है मैं यहाँ पे बाजू में लिख रहा हूँ, क्या होगा कि नाउ एवरी 31st of March देयर वुड बी अ कैरिंग अमाउंट एवरी 31st of March। अभी 31st of March क्या है? अब ये ट्रांजेक्शन तो हो गया, मुझे मिल गई यूनिट ऑफ रेट की। अगर ये मान के चलो कि स्टूडेंट ये जो DLF लिमिटेड है, ये जो कंपनी है, अगर इसको इंडियस कंप्लायंस अगर लगता होगा तो क्या करेगा ये? अगर ये इंडियस का गेम अगर इसको खेलना पड़ रहा होगा, देन व्हाट इट हैज टू डू? पॉसिबल है ना? तो उनको तो पता ही होगा कि अब इसका जो शेयर्स है, सॉरी, अब इसके पास जो एसेट है वो क्या है? यूनिट्स ऑफ रिट। और अगर ये इंडियस वाली कंपनी है तो एवरी 31st मार्च को इसको कैरिंग अमाउंट पे क्या करना पड़ेगा? इसको बुकिंग करनी पड़ेगी 31 मार्च को फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप यहां पे तीसरा पॉइंट में डाल रहा हूं, यहां तक रुक रहा हूं, मेरे को और भी जगह चाहिए होगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये कैरिंग अमाउंट 31 मार्च को देखो लिखा हुआ है यहां पे नीचे, पॉइंट नंबर बी, 4B में देखना है यहां पे नीचे, 4B ऐड और 4B लेस, दोनों जगह देखना, 4B ऐड एंड 4B लेस, दोनों जगह पे ये पॉइंट आपको मिलेगी। तो वही पॉइंट है, रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट। तो होगा ये कि 31 मार्च के टाइम पे चेंज इन द कैरिंग अमाउंट चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ये आप लोग कंसिडर करेंगे। तो वो जो चेंज इन द कैरिंग अमाउंट है, और ये किसके वजह से करना पड़ा आपको? इंडियस की वजह से, ये इंडियस की वजह से चेंज इन द कैरिंग अमाउंट करनी पड़ रही है आपने। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट ये आपका है, आपका क्या है? 4B, ये पॉइंट जो होगा ये 4B वाला पॉइंट है। तो जो भी कैरिंग अमाउंट का है वो एडजस्टमेंट देंगे, क्योंकि ये सारे बुक्स में चल रहे हैं, नोशनल लेवल पे चल रहा है। इनकम टैक्स इसको फिलहाल के लिए कोई भी रिकॉग्निशन नहीं देता, देयर इज नो रिकॉग्निशन व्हाटसोएवर अंडर द इनकम टैक्स लॉ। ये सारे जितने भी नोशनल आइटम है ना, इसको छेड़ता नहीं है। कब इनकम टैक्स लॉ हरकत में आएगा स्टूडेंट बता दीजिए, कब हरकत में आएगा इनकम टैक्स लॉ? ये आखिरी पड़ाव होगा जब इनकम टैक्स लॉ आएगा हरकत में, और तभी नोटिस करेंगे आप लोग। ये नोटिस किया स्टूडेंट आपने, यहां पे एक लिखवा देता हूं आपको, पॉइंट नंबर 4, जब आप क्या कर रहे हो इन दिस केस, दी ट्रांसफर जब हुआ यहां पे, क्या बेचा आपने? यूनिट्स ऑफ रेट, ये चौथा पॉइंट फ्लो में, ऑफ रेट ट्रांसफर। तो जब यूनिट्स ऑफ रेट ट्रांसफर की जा रही है तो यहां पे नोटिस करना क्या हुआ होगा, यहां पे जो कैरिंग अमाउंट से लेके यहां तक बुक में लॉस है, बुक लॉस तो इतना होगा, बुक लॉस या बुक गेन, क्योंकि अभी तक कैरिंग अमाउंट तक तो आप पहुंच गए, बुक्स के हिसाब से अगर चलू तो, बुक्स के हिसाब से चलू तो आप कैरिंग अमाउंट तक पहुंच चुके हैं। तो यूनिट ऑफ रिट ट्रांसफर है, पॉइंट नंबर 4 में लिखा है मैंने। और फिर इस वजह से ये जो होगा आपका इस कॉन्टेक्स्ट में, जब ट्रांसफर हुआ तो ये बुक बुक गेन और बुक लॉस, तो ये भी अगर आप देखोगे तो 4B में डाला गया है। मैं आपको बताता हूं कहां पर है 4B में, बुक गेन या फिर बुक लॉस, ठीक है, बुक गेन या फिर बुक लॉस है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इनकम टैक्स क्या डिमांड कर रहा है, तो ये बुक गेन और बुक लॉस को हमें कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स बताए क्या डिमांड कर रहा है, इनकम टैक्स बोल रहा है कि बुक गेन और बुक लॉस को हटाए, जो ये सब नोशनल अमाउंट ही है,
असली जो गेन और असली जो लॉस डीएलएफ लिमिटेड को अब जो हुआ है असली पे आना है स्टूडेंट्स, नकली काम कार्रवाई नहीं करेंगे आप। तो असली गेन और लॉस बताओ क्या होगा, जल्दी से बता दो। ये है आपका द रियल गेन एंड द रियल लॉस, और ये आपका आ रहा है, बताओ कौन सा पॉइंट है ये? ये आपका होगा द रियल गेन, कॉस्ट से ट्रांसफर ये करना, रियल गेन और लॉस इसे आपने ऐड करना है अगर गेन होगा तो, और लेस करना है अगर लॉस होगा तो, और यही आपका क्या है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5, रियल गेन या रियल लॉस स्टूडेंट्स, रियल गेन या फिर रियल लॉस, और कंपैरिजन देखो किसके के साथ करना है, यूनिट जो ट्रांसफर किया जब आपने जो रिट की शेयर्स खरीदी है उससे, तो यहां पे इसी को आपको बुक प्रॉफिट, तो दिस इज व्हाट, दिस शैल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट ऑन विच द मैट, ऑन विच द मैट शैल बी चार्ज। इसकी लॉजिक क्या है बताओ, इसकी लॉजिक क्या है, क्यों ये अभी बुक प्रॉफिट का हिस्सा इसको बनाया गया? क्योंकि इसको पैरिटी, समानता लानी है आपको किसको किसके साथ। यू हैव टू ब्रिंग अ पैरिटी बिटवीन वॉट यू डू अंडर द नॉर्मल प्रोविजन एंड वॉट यू डू अंडर द इनकम टैक्स लॉ। तो वहां पे जो किया है वही तरीके से आपको यहां पे पैरिटी लानी पड़ेगी, सो एज टू ब्रिंग, क्योंकि वहां पर नॉर्मल प्रोविजन में आप अभी क्या करते हो, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते हो, अभी जाके कैलकुलेट की जाती है, और बीच में जो हरकतें थी उसको आप इग्नोर करके चलते हैं, और इसी वजह से जो बीच में हरकतें थी उसे इग्नोर किया जाता है अंदर नॉर्मल प्रोविजन। दैट इज द रीजन वाई, क्योंकि 115JB किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट, और नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट काफी उसके फेजेस में उसमें काफी उसकी एडजस्टमेंट पॉसिबल है, ऑल दो दोज एडजस्टमेंट आर मेड ऑन अ नोशनल बेसिस, जो कि आप देख रहे हो 4A में या 4B में। तो हमें वो नोशनल एडजस्टमेंट जो कि आप इंड एज के मुताबिक आप करते हो, उस एडजस्टमेंट को आपको बाहर निकालना जरूरी है, और दैट इज द रीजन वाई ये अगर डेबिट हुआ होगा नोशनल लॉस आप एड बैक करें, या फिर क्रेडिट हुआ होगा नोशनल गेन्स तो आप उसको रिड्यूस कर लें। उसकी रिकॉग्निशन फिलहाल के लिए हमें टाल देनी है, कब तक, जब तक कि उसने वो यूनिट को ट्रांसफर नहीं किया है तब तक। और देखो जब उसने यूनिट को ट्रांसफर किया है, ये देख रहे हो ना चौथा 4B वाला पॉइंट, जब वो यूनिट को ट्रांसफर किया है उस समय पे जब बुक्स में जो गेन बनेगी उसकी गेन की कंपैरिजन को किसको किसके साथ करोगे आप, किसको किसके साथ करोगे, कैरिंग अमाउंट जो आपने अभी तक का कंसिडर किया होगा 31 मार्च का उसको आप कंसिडर करोगे विद द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और यही आपका गेन जो कि ऐड होगा या फिर लॉस होगा, ये ऐड होगा या लेस होगा। प्लीज हैव अ लुक हियर, ये जो मैं बता रहा था ना इसकी मैं बात कर रहा था, ये वाला पॉइंट, इसकी बात हो रही थी स्टूडेंट, ये बुक लॉस है, बुक गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ, बताओ क्या है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द यूनिट ऑफ द रेट, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द यूनिट ऑफ द रेट। और ये पॉइंट नंबर 5 को क्या बोलोगे, पॉइंट नंबर 5 को एक्चुअल गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक प्रॉफिट। To be recognized in the book profit, ठीक है,
टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक प्रॉफिट। चलिए स्टूडेंट, और ये आप नोशनल गेन और लॉस एट डिफरेंट स्टेज, जो डिफरेंट स्टेज था, पहला स्टेज था कि जब आपने एसपीवी का शेयर्स को दिया है रिट को इन एक्सचेंज ऑफ द यूनिट्स ऑफ द रिट, पहला वो वाला केस था। फिर आपका था 31 मार्च का कैरिंग अमाउंट, इज़न्ट इट? और फिर बाद में जब एक्चुअली क्या करते हो, उसको ट्रांसफर करवाते हो, तो वो सब चीज़ों को जब ट्रांसफर करते हो तब आपका जो डिफरेंस है वो क्या करते हो, डिफरेंस आपका कैरिंग अमाउंट से आप बुक वैल्यू लेते हो। तो ये नोशनल गेन और लॉस है डिफरेंट स्टेज टू बी एलिमिनेटेड इन डिटरमाइनिंग द बुक प्रॉफिट, इन डिटरमाइनिंग द बुक प्रॉफिट स्टूडेंट्स। तो ये सबसे एक बड़ा एडजस्टमेंट था और काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। इसको भी मैंने, जब मैंने आपको ये करवाया था टॉपिक सरोगेट टैक्सेस, जब ये रिट की बात आई थी, तो मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट हम लोग इंडियस के साथ ही मैट के साथ हम लोग कर लेंगे, क्योंकि यहां पर ही इसकी लॉजिक आपको पकड़ में आएगी। तो ये क्या वो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स, विद दैट नाउ पॉइंट नंबर 6, इसके अंदर देखेंगे क्या लिखा है। देखिए एग्जेम्प्ट इनकम, जहां तक एग्जेम्प्ट इनकम की बात है, गवर्नमेंट को देखो एक चीज है, एग्जेम्प्ट इनकम के से हमें कोई परहेज नहीं है। क्योंकि देखो जैसे लॉजिक, देखो फिलॉसफी क्या है, गवर्नमेंट की फिलॉसफी यही है ना कि जो एक आम आदमी एग्जेम्प्शन लेता है, आप भी ले लोगे तो हमें उससे दिक्कत नहीं, हमें उसको टैक्स नहीं करना है। जो एक आम आदमी एग्जेम्प्शन लेता है, अगर आप भी अगर वही लेते हो बेनिफिट, तो हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है किससे, ये 10AA ATI, ये ATIB, 35AD, जो एक झटके में आपका पूरा का पूरा वाइप ऑफ कर देता है प्रॉफिट को। तो यहां से हमें तकलीफ होती है, क्योंकि ये आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे बिजनेस पे ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, तो ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। और यही वजह है कि व्यक्ति विशेष या कंपनी विशेष ही क्या कर सकती है, इसका लाभ ले सकती है, और उससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। और वही नुकसान को प्राइमरी गवर्नमेंट मैट के जरिए क्या कर रही है, एक तरीके से स्टॉप गैप करवा रही है कि भाई आपको इतना तो टैक्स पे करना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास, क्योंकि पॉसिबल है कि कंपनी ने क्या किया होगा, दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, और वो इन्वेस्टमेंट का नतीजा ये है कि उसको डिविडेंड आ रहा है। अब आपको DDT में तो स्टूडेंट्स ये पता था कि अगर कंपनी ने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करके अगर डिविडेंड कमाया, तो उसमें तो हम थ्रेशोल्ड भी देखते हैं। सो वी डोंट इवन लुक इन टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू कि भाई उसकी थ्रेशोल्ड, वो मान लो 10 लाख का थ्रेशोल्ड था, वो तो आप अदर देन कंपनी या फिर अदर देन ट्रस्ट उनको छोड़ के बाकी रेसिडेंट इंडिविजुअल या अदर देन कंपनी अदर देन ट्रस्ट उसको छोड़ के बाकी रेसिडेंट पर्सन जो है, रेसिडेंट पर्सन जो होंगे उनके लिए आप वो 10 लाख का थ्रेशोल्ड का लिमिट आजमाते हो। तो अगर ये कंपनी को क्या है, दूसरे कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रही है, तो क्या वो बुक प्रॉफिट का हिस्सा होना चाहिए? द आंसर इज नो, हमें उस पर कोई टैक्स लगवाना नहीं है। तो अगर ये PNL क्रेडिट में अगर आपका ये कोई ऐसा एग्जेम्प्ट इनकम बैठा है, तो वो बुक प्रॉफिट से बाहर हो जाएगा। उसी तरीके से जब इंटेंशन ही नहीं है उस पर टैक्स करने का, तो अगर PNL डेबिट पे, PNL डेबिट में अगर उसका कोई करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर अगर बैठा है, तो उसको भी आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एडबैक, उसको भी आपको एडबैक कर देना है। दैट एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू सजेस्ट इन दिस केस, डू यू ऑल गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, तो ये सिचुएशन होगा, आप लोग को ध्यान रखना है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो करस्पॉन्डिंग डेबिट एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये चीजें अल्टीमेटली कंसिडर नहीं की जाएंगी, बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा। मैंने कुछ टिपिकल एग्जाम्पल दे रखा है, याद आ रहा है इस AIF में किया था हमने, ये भी सेक्शन 10 है। कंपनी जो है अगर उसकी इनकम है किससे आ रही है, इन्वेस्टमेंट फंड AIF Category 1 Category 2 अदर देन PGBP जो कि 1023 FBA में क्वालिफाई करता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मालूम है AIF में
AIF जो है वो या तो एज अ कंपनी या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, या फिर एज अ ट्रस्ट भी क्या है अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स, AIF में, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ पार्शल पास थ्रू। एक टुकड़ा इनकम जो है वो किसके हाथ में असेस होता है, कंपनी के हाथ में, और वो जो इसके इन्वेस्टर है उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। उसी तरीके से जो टुकड़ा AIF के इनकम का पास थ्रू होके इन्वेस्टर के हाथ में क्या है असेस होता है, वो टुकड़ा AIF के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो अगर AIF एक कंपनी है तो क्या AIF को मैट एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा, डंके की चोट पे होगा स्टूडेंट्स, मैट इनको एप्लीकेबल होगा। और अगर इनको मैट एप्लीकेबल होगा तो देखो मैंने क्या लिखा है प्राइमरी, तो वो जो इनकम AIF का जो कि पास थ्रू हो जाता है और वो इन्वेस्टर के हाथ में असेस होता है, तो क्या आप इनके हाथ में वो असेस करोगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये वो एग्जेम्प्ट है। और अगर ये एग्जेम्प्ट है तो क्या वो बुक प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा? नहीं बनेगा। अब याद करो अल्टीमेटली, और ध्यान रखना, मैं अगर रहूंगा, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने वाला हूं, कुछ टेस्ट दे दूंगा कुछ स्टूडेंट्स, एक मैं यहां पर डाल रहा हूं सुपर 50 के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ होंगे वो बात की बात है होगी, तो वहां पे ऐसी कुछ क्वेश्चन दाव पेच में खेलने वाला हूं। और हो सकता है कि ICAI ये देख के निमंत्रण दे दे कि आप इस मई 2020 का क्या कर देना, पेपर सजा देना स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो रेडी रहना स्टूडेंट्स, आ रहा हूँ आपके पेपर सजाने के लिए मई 2020 और नवंबर 2020 के लिए, रेडी हो? तो स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपका पॉइंट नंबर 6 हुआ है। अब आप पॉइंट नंबर 7, अब ये लॉजिकल है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। अब जो पॉइंट्स है इसको स्टूडेंट्स यहीं पर एक्सप्लेन करके खत्म करेंगे, जो हमारे बड़े वाले जो मुद्दे थे हमने वो मुद्दों को सुलझा दिया है। पॉइंट नंबर 7 के अंदर अब बताओ क्या आ रहा है, एज फार एज पॉइंट नंबर 7 इज कंसर्न। अब आप मुझे बताओ, ये पैरिटी कर रहे पॉइंट नंबर 6 को 7 के, 6 को 7 के साथ, ये क्या होता है पैरिटी? ध्यान से सुनना भाई, अगर एक कंपनी, अगर पार्टनरशिप फर्म में, इफ अ कंपनी इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, अगर कोई एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनर है, और उसको फिर पार्टनरशिप फर्म से क्या मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बताओ क्या उस शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि कंपनी ने पीएनएल में क्रेडिट साइड में स्कोर लिया है, उसको क्रेडिट किया है, तो क्या वो आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा? क्या वो आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा? एंड आंसर इज नो, नहीं बनेगा बुक प्रॉफिट के हिस्सा, वो आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगा, दैट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, ठीक है। तो पीएनएल में जो क्रेडिट में बैठा हुआ है अमाउंट, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दी बुक प्रॉफिट, क्योंकि ऊपर वाले एंट्री में लिखा हुआ है जो भी सेक्शन 10, 11 या 12 के आइटम है, आप उसको अल्टीमेटली एक्सक्लूड करके चलना, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना स्टूडेंट्स, तो कंपनी विच इज रिसीविंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, द शेयर ऑफ प्रॉफिट सो रिसीव्ड विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, ठीक है, उसको निकाल दिया आपने। सेकंड पे नोटिस करना, अब अगर यही कंपनी क्या करता है, कोई एक एओपी में वो मेंबर है, अब ध्यान रखना, अनफॉर्चुनेटली अगर वो एओपी में मेंबर है, वो एओपी पे एमएमआर के हिसाब से रेट लगेगा, वो एओपी पे एमएमआर के हिसाब से रेट लगेगा, और अगर ये एमएमआर के हिसाब से रेट लग रहा है, तो आपने एओपी में पढ़ा होगा, देयर इज वन सेक्शन 86, इनको जो एग्जेम्पशन दी जाती है वो 86 के अंदर दी जाती है, देयर इज वन सेक्शन ऑफ एग्जेम्पशन 86 का, रिबेट बोलते हैं उसको एक तरीके से, कि कंपनी के हाथ में या जो भी मेंबर्स होंगे, जबकि एओपी के हाथ में वो टैक्स लगा है एट एमएमआर, तो वो अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं बोला गया है, उस पे आपको 100% रिबेट दे दिया जाता है, वो वर्ड एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि अगर एग्जेम्प्ट का वर्ड होता तो वो सेक्शन 10 के अंदर चला जाता, और यहां पे रेफरेंस सेक्शन 10 दिया गया है, दे हैव मेड अ रेफरेंस ऑफ 10, 11 एंड 12, 86 को रेफर नहीं किया। तो आप सोचो बेचारा कंपनी, देखो कितना ये डिस्पैरिटी वाला केस है, कि अगर एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, वर्सेस अ कंपनी जो कि एओपी का मेंबर है और उसको एओपी से क्या मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो दोनों ही केस में फर्म के हाथ में या एओपी के हाथ में वो प्रॉफिट असेसेबल है। यहां पे इन द केस ऑफ बीइंग अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, उनको 10-2A का एग्जेम्पशन मिलता है, यहां पे बीइंग द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर, बीइंग द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एओपी, इनके हाथ में वो असेसेबल नहीं है बिकॉज ऑफ 86,
10 के हिसाब से नहीं, बिकॉज ऑफ 86, लेकिन ऊपर वाले एंट्री में तो क्या बाहर निकल रहा है, जो इनकम 10 में असेस हो रहे हैं या 11 या 12 में हो रहे हैं उसको बाहर रखा गया। इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, इस पॉइंट नंबर सेवन के जरिए वो इनकम को क्या किया है, बाहर निकाल दिया है। वो इनकम को स्टूडेंट बाहर निकालने का काम किया है थ्रू पॉइंट नंबर सेवन। तो दिस इज वॉट एग्जैक्टली दे हैव डन। तो ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्सपेंडिचर रिलेटेबल वही करना है, अगर डेबिट हुआ है और जो क्रेडिट हुआ है तो ये क्या किया है, इसको बाहर किया गया फ्रॉम द बुक प्रॉफिट। ओके, तो ये चीज़ को बाहर की गई है फ्रॉम द बुक प्रॉफिट, सो एज टू मेक इट एट पार विथ वॉट, विद द पोजिशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, विद द पोजिशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म स्टूडेंट्स। इसके बाद है पॉइंट नंबर एट, जहां पे फिर से एड और लेस है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में एड और लेस है स्टूडेंट्स, नोटिस करना है यहाँ पे। मैंने आपको तभी भी नॉन रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग की डिस्कशन हो रही थी 9-1-6 में रॉयल्टी के कॉन्टेक्स्ट में, वहां पे आपको बताया गया था कि रेसिडेंट की रॉयल्टी इनकम, अगर रेसिडेंट की रॉयल्टी इनकम है और वो 115BBF की कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है, तो फिर वो रॉयल्टी इनकम पे रेसिडेंट के हाथ में आप कंसेशनल टैक्स रेट 10% का दे दोगे, कंसेशनल टैक्स रेट। लेकिन कंडीशंस हमने देखे थे कि भाई ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है 115BBF के अंदर, जो स्पेसिफिकली बोलता है कि इस इनकम पे मैट नहीं लगेगा। अगर मैट आपको नहीं लगाना है इस इनकम पे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बुक प्रॉफिट में इंश्योर करना पड़ेगा कि ये इनकम ना रहे। तो फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है कि जो भी ये रॉयल्टी इनकम एक रेसिडेंट कंपनी है, एक डोमेस्टिक कंपनी है, अगर उसने कमाई है और ये इनकम नॉर्मल प्रोविजन पे असेस हो रहा है अंडर सेक्शन 115BBF, तो हमें इस इनकम पे मैट नहीं लगाना है, जिसका मतलब है कि दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक प्रॉफिट। तो अगर ये इनकम उस कंपनी के पीएनएल क्रेडिट साइड में अगर पहुंची है तो आप उसको बाहर निकालोगे, या अगर डेबिट साइड में अगर पहुंची है तो उसको भी बाहर निकालोगे बाय डूइंग दी लेस एंड एड एज द केस में बी। तो वो बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये चीज एकदम क्लियरली वो प्रोविजन में बोला गया 115BBF में, मतलब उस पर मैट नहीं लगनी चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये रॉयल्टी इनकम अगर बैठी होगी इन द पीएनएल क्रेडिट, और एक्सपेंडिचर उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई बैठा होगा इन द पीएनएल डेबिट, तो आपको उस पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट से इसको बाहर निकालना होगा बाय डूइंग द लेस अगर पीएनएल क्रेडिट में बैठा है, और डूइंग द एड अगर पीएनएल डेबिट में अगर उसका एक्सपेंडिचर है, सो एज टू एंश्योर दैट इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर बुक प्रॉफिट। अब देखिए पॉइंट नंबर 9, ये किस कॉन्टेक्स्ट में था, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 9, एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन कंपनी रिलेटिंग टू कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ठीक है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज रिलेटिंग टू कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज और द इंटरेस्ट रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 115A टू 115BBE इफ सच इनकम इज टैक्सेबल अंडर द जनरल प्रोविजन ऑफ द एक्ट एट अ रेट, यहां पे हाईलाइट करो स्टूडेंट्स को, एट अ रेट लेस देन 15%। तो ये एक्सपेंडिचर अगर ऐसा डेबिट हुआ रहेगा तो उसको आप एड बैक कर ले। उसी तरीके से इसी का करस्पॉन्डिंग इनकम अगर क्रेडिट हुआ होगा तो इसको आप लेस कर ले, मतलब कि ये देख के भी आपको पता चल रहा है दैट इट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट, इट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, तब जाके एड और लेस किया जा रहा है। ये बहुत फॉरेन इन्वेस्टर्स लोगों ने क्या किया था, काफी दबाव डाल दिया था गवर्नमेंट पे। ये तभी की बात थी स्टूडेंट्स, 18.5% जब हुआ करता था तभी की बात है, कि एक हाथ में तो आप हमें काफी कंसेशनल टैक्स रेट दे रहे हो एक सेक्शन में, जैसे कि 115A में ही अगर मैं बात करूं तो 115A में इंटरेस्ट जो इनकम है नॉन रेसिडेंट का, वो आप देखोगे कि वहां पे कुछ केस है इंटरेस्ट इनकम इज गेटिंग चार्ज एट 5%, और फिर कुछ बाकी केस है जहां पे 20% के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम क्या चार्ज की जाती है, 5% या 20%, ये इंटरेस्ट का रेट है स्टूडेंट्स। कहां पे, इन 115A रॉयल्टी एंड एफटीएस 10%, isn't it? तो कहने का मतलब ये है ना कि ये एग्जांपल देके बता रहा हूं कि आपको आप
बोल रहे हो कि एक हाथ में कि हमें ये बोल रहे हो कि भाई इंडिया में इनकम टैक्स प्राइमली 5% और 10% के हिसाब से हम लोग ने एंट्री मारी थी, तो हमने उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट किया था, और बाद में ये पता चल रहा है कि नहीं, ये इनकम पे आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी बैठा हुआ है, जिसके बेसिस पे हमें 18.5% के हिसाब से क्या टैक्स देना है। तो फिर भाई हमें ऐसा, मतलब कि आप इफेक्टिवली ये बोल क्यों नहीं देते कि भाई टैक्स जो लगेगा इस इनकम पे वो 5 और 10% नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिर मैट लगने वाला है, और मैट लगेगा तो 18.5% का टैक्स लगेगा लगेगा आप पे। तो फिर यही अल्टीमेटली हमारी हकीकत है, 18.5% का टैक्स वाले, ये 18.5% वाली ये कंट्री है जहाँ पे ये इनकम पे 5 और 10 तो सिर्फ धोखा है, असली तो 18.5% का गेम है यहाँ पे। और इसी वजह से स्टूडेंट्स बताओ क्या, इस पर्टिकुलर सेक्शन के जरिए, इसी वजह से इस सेक्शन के जरिए बताओ वो क्या करते हैं, दे आर एलिमिनेटिंग, क्या एलिमिनेट की जा रही है, बाय द वे दे आर एलिमिनेटिंग दैट पर्टिकुलर इनकम। लेकिन ध्यान रखना ये फायदा सिर्फ किसको दिया गया है, किसे दिया गया है स्टूडेंट्स, फॉरेन कंपनी को, मतलब कोई अगर डोमेस्टिक कंपनी होगी उसके लिए अगर कंसेशनल रेट के हिसाब से कोई भी इनकम टैक्स अगर होता होगा विच इज लेस देन 18.5%, तो फिर उनको ऐसा प्रोविजन नहीं था, क्योंकि हमें फॉरेन इन्वेस्टर काफी प्रिय है, उनसे ही पैसा मिलता है, उनसे ही बड़ी फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, और यही वजह है कि उसको नाराज नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। एंड दैट एग्जैक्टली इज अ फैक्टर दैट वी कैन इजिली मेक इट आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एड एंड लेस। तो फिर बताओ फाइनली स्टूडेंट्स, ये जो एड और लेस के कॉन्टेक्स्ट में अब बताओ क्या कहोगे आप, कि 15%, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब 15% से कम, क्योंकि अब तो अमेंडमेंट हो गया 18.5 से 15%, 15% से कम अगर कोई भी इनकम इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन कंपनी अगर ये असेस अगर होती होगी, तो उस पर्टिकुलर इनकम या उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर को हम बुक प्रॉफिट में जगह नहीं देंगे, उस पर्टिकुलर इनकम या फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर को हम बुक प्रॉफिट में जगह नहीं देंगे, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डील विद इट। ये है आपका स्टूडेंट पॉइंट नंबर 9। इसमें स्टूडेंट जानते हो एक एक पर्टिकुलर इनकम शहीद हो गया है, वो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ट्रिपल वन ए का, ट्रिपल वन ए का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर रेट क्या लगती है, 15%। तो अभी तक बिफोर द अमेंडमेंट, नोटिस करना और ये भी बाजू में लिख देना, बिफोर द अमेंडमेंट क्या होता था कि ये 15% वाला जो एस टी सी जी है वो आपके बुक प्रॉफिट में नहीं रहता, दैट वॉज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट। रीजन वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि उसमें आपने नोटिस किया होगा कि वो एड और वो आपका 18.5% से कम है, तो आपको पहले अगर कोई फॉरेन कंपनी ये एस टी सी जी की इनकम अगर वो कमाती होगी जिसकी चार्जेबिलिटी 111A के अंदर अगर होता होगा, तो फिर वो पहले प्रायर टू एफ ए 19 वो बुक प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनता था, मतलब आपको ऐड करना होता था या फिर लेस करना पड़ता था डिपेंडिंग उसके एक्सपेंडिचर और इनकम को देखते हुए। लेकिन अब क्या है, अब तो आपका बुक प्रॉफिट ही, आपका जो मैट का रेट है वही 15% हो गया, तो जब वही 15% हो चुका है तो फिर ऐसे केस में बताओ, फिर ऐसे केस में क्या आपके लिए ये पर्टिकुलर जो आपका अमाउंट है, ये जो पर्टिकुलर आपका, ये जो पर्टिकुलर बुक प्रॉफिट में, क्या ये पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 111A का क्या वो रह जाएगा इन द बुक प्रॉफिट? द आंसर इज यस, बिकॉज इट इज इक्वल टू 15%, वही मैट का ही रेट है, और क्योंकि अब ये लेस नहीं रहा, अब ये एट पार हो गया है, इस वजह से इसको हम बुक प्रॉफिट का हिस्सा रहने देंगे। तो नोटिस करके चलना यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन दिस कॉन्टेक्स्ट 111A वाला जो इनकम है, 111A एसटीसीजी जो 15% है, ये अमेंडमेंट की वजह से 18.5 से 15% के रेट तक ये जो अमेंडमेंट का सफर हुआ है उसकी वजह से किसको क्षति पहुंची है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% विल फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट, will form part of book profit now, will form part of the book profit now, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स आपके 111A के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 15% के, will form part of the book profit now, this is how it has to be considered। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको मैंने यहाँ पे अब कंप्लीट किया है, आइए अब ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है इंडिपेंडेंट एड और लेस, वॉट वी विल डू नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ अभी के अभी, और फिर वो इंडिपेंडेंट एड और लेस आप लोग एक बार रीड करके रखना,
ताकि क्या होगा पार्ट बी में मैं जब इसको कंसिडर करूंगा वो आसान है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। इसमें थोड़ा सा खतरा था इंटरलिंकिंग का। एक बार स्टूडेंट्स आप लोग आइएगा, कॉम्प्रिहेंसिव कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी डाले हैं इसमें, काफ़ी कुछ अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन डाले गए हैं। सो विल जस्ट सब अलग अलग वैराइटीज़ के क्वेश्चन थे, यही अमेंडमेंट की बात कर रहा था मैं स्टूडेंट्स, विच वॉज ऑलरेडी बिन देयर। तो आप सभी लोग आ जाए इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पार्ट। एक क्वेश्चन के यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स ट्राई टू डील विद वन क्वेश्चन नाउ। और यही वो 115BA वाला क्वेश्चन है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में, लेट्स कंसीडर दिस क्वेश्चन।